हाय गाइस, तो मुझे दोबारा से लाइव आना पड़ा। हाय एंजल, कोई मैसेज नहीं कर रहा था ना, फिर तो मैं चली गई। फिर बोरिंग लगता है ना कोई मैसेज नहीं करता। तो उस वक्त कुछ गेस्ट आए हुए थे। अच्छा ओके ठीक है, बट और भी लोग थे ना, दो लोग वो भी नहीं बात करते। जैसे देखो अभी भी दो लोग तुरंत आ गए, बट वो केवल देख रहे थे और बात नहीं कर रहे थे। तो जब कोई बात नहीं करता तो बोरिंग लगता है, तो इसलिए फिर मैं चली गई। मैंने सोचा फिर तब तक वीडियो ही शूट कर लेती हूँ, इसलिए बात नहीं कर पाई। ओके मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हाय अमन, कैसे हो? थैंक गॉड तुम तो आए। कहाँ हो तुम आजकल? फिर तुम शुरू हो गए, कभी तो मतलब हाल चाल भी ले लिया करो। अमन तुम जॉब में लग रहा है कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं। शादी वादी तो नहीं होने वाली तुम्हारी? मैं इतने टाइम से लाइव आ रही हूँ, तुम एक भी बार नहीं आए। अच्छा जॉब में बिजी हो? फिर से स्विच किया क्या तुमने जॉब अपना? राघव कुमार, हेलो जी। हाय राघव जी, वेलकम माई लाइफ, एंड प्लीज लाइक कर देना गाइस। बस कोई शादी नहीं कर रहा। अच्छा, ये अब मेरी वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है, ये बताना तो अमन। अरे तो शादी कर लो ना, शादी कर लोगे तो तुम्हें आराम मिलेगा। ठीक है, कम से कम तुम्हारे पास टाइम रहेगा फिर दूसरों से बात करने का, और तुम वो भी नहीं होगे, बिजी भी नहीं होगे ज्यादा। अभी कल की परसों मनीषा से बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि आजकल अमन नहीं आता लाइफ पे, मुझे लग रहा है कि वो बिजी है कुछ ज्यादा ही जॉब पे। और बताओ क्या कर रहे हो? देखो कितना मतलब इसकी उसका नाम लेते ही हाजिर हो गई। देखा, हाय मनी, हाय मनी। जैसे मतलब बस मैंने अभी बोला ही मनीषा और तुरंत आ गई। 1 मिनट। हाँ ठीक है, मैंने आपको बहुत मिस किया था मनी। अरे तुमने क्या, हम लोगों ने तुम्हें बहुत मिस किया क्योंकि तुम आ ही नहीं रहे थे लाइफ में, और जब हम लोग की लाइफ होती थी तो तुम जरूर आ जाते थे, तो तुम दिखते ही नहीं थे लाइफ में। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया। अरे मैं कह रही थी, अमन कह रहा था, अमन आया नहीं अभी, आज आया ये, तो मैं उसको बोल रही थी कि अभी 1-2 दिन पहले ही हम लोग जब जब भी मैं लाइव पे आती तो मैं बोलती थी कि अमन नहीं आ रहा आजकल, लग रहा है बिजी हो गया है बहुत ज़्यादा जॉब में। तो और मैं और मनीषा यही बात कर रहे थे, तो जैसे ही मैंने बोला ना कि मैं और मनीषा बात कर रहे थे, वैसे ही तुम आ गए। तो मैंने उसको बोला कि देखो तुरंत मनीषा आ गई, मतलब बिल्कुल नाम लिया और तुरंत। पता नहीं मुझे, अब पता नहीं क्यों इसमें ना लाइव आओ ना तो लाइक कोई शो ही नहीं हो रहा। पहले दिख जाता था ना कितने लाइक हुए, लेकिन वो लाइक की जगह 0 लिखा हुआ है। ओ लंबी उम्र। हाँ लंबी, जितनी लंबी उम्र हो उतना अच्छा रहता ना। रुचि आप लोग को पता लग रही? अरे अमन तुम तो फेंकना चालू कर देते हो। अभी मैं आई थी थोड़ी देर पहले, तो वही एंजल सोनी आई थी, तो उससे बात हो रही थी। तो उसके बाद दो लोग और कोई आया, फिर वो क्या कहते हैं कोई मैसेज ही नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा यार कोई आ ही नहीं रहा है तो चलो। और मैंने बोला भी कोई मैसेज नहीं कर रहा, मैं लाइव बंद कर रही हूँ, तो कोई किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर तो हमने कहा लाओ वीडियो शूट कर लेते हैं, वो जो कुर्ती आई थी हमने कहा उसका वो कर लेते हैं। तो थोड़ी देर बाद इसका आ गया वो
जो नहीं एंजल सोनी, उसने मैसेज किया कि मेरे गेस्ट आ गए थे तो आप मतलब अब आ जाओ, मैं फ्री हूँ। हमने कहा अच्छा ठीक है। एक और लाइव दिखा रही आपकी। हाँ अभी आई थी ना, इसके पहले मैं आई थी, फिर जब कोई आया नहीं तो मैं फिर हट गई थी। तो उसने बोला ना एंजल सोनी ने कि आप आओ दोबारा, मेरे यहाँ गेस्ट आ गए थे तो इस वजह से मैं मतलब बात नहीं कर पाई थी, तो अब वो चले गए हैं तो फिर इसलिए मैं दोबारा आई। और कोई आया है? हाय मनीषा दीदी, हाय लिप्सा, अच्छा घंटा सिंह। अरे लिप्सा मुझे भी हाय बोल दो, मेरी लाइव में आई हो, मुझे हाय नहीं बोला तुमने। हाय लिप्सा, अमन कह रहे हैं वीडियो बनाया। नहीं बनाया, बनाने तो जा रही थी, फिर उसका मैसेज आ गया ना कि तुम मतलब आप आ जाइए, अब मैं मतलब फ्री हूँ, मतलब कोई गेस्ट आ गए थे तो हमने कहा चलो ठीक है थोड़ी देर आ जाते हैं इसलिए। परी लग रहे हो लिप्सा। जैम शी मोन मोन, हेलो हाय हाय जैम, आज कौन सा वीडियो? नहीं बनाया कोई वीडियो, पता है मैंने ना एक वीडियो बनाया हुआ था ले उसको अपलोड करना था, बट मैंने ना इनको जो फोन गिफ्ट में दिया ना उसको मैंने ले लिया। मैंने इनसे कहा कि तुम बहुत नोट चला लिए, तुम अब फोन चलाओ मैं चलाती हूँ, तो ये कहते हैं ये क्या बात हुई, मेरे को गिफ्ट किया और मेरे से ले लिया। तो हमने कहा तुम पहले नोट चला रहे थे और अभी भी नोट चलाओगे, क्या बात है, फिर मेरे को दे दो और तुम फोन चलाओ। तो उसी में सारे मैसेज मैंने मतलब वो वीडियो शीडियो ऐप वगैरह डाले तो वो वीडियो ना डिलीट हो गई, मतलब पता है मतलब, लेकिन उस वाले फोन में है तो वो ये लेके गए हैं, तो मुझे पता नहीं अभी। तो अब उसको फिर से क्या बनाऊँ, तो हमने कहा चलो कल कर लेंगे, अभी आज सबके मैं वो वीडियोस देख लेंगे, इतना टाइम हो गया देख ही नहीं किसी के वीडियोस। नहीं अम्मा अभी मैंने खाना नहीं खाया है, बच्चों को खिला दिया है। आपको हाय तो बोल रही हूँ, कैसे हो आप? अच्छा अभी बोले हो आप मेरे को, पहले तो मनीषा को हाय बोला था। मैं अच्छी हूँ, लिप्सा एक अच्छी बच्ची है। अमन तुम सबसे बुढ़े हो गए हो पता है तुम्हें। अरे तैयार थी तो बना लेती, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अरे नहीं पता है तैयार थी पूरी, मतलब मैंने उसको मतलब एडिट करके सारा कुछ कर दिया था, बस उसको पोस्ट करना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी कल किया है तो अभी थोड़ा सा और लोगों की वीडियोस देख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी, तो उसमें फिर शाम को फोन ही वो कर दिया मैंने, तो किया नहीं। हाँ थैंक यू अमन जी, अभी ये बहुत कुछ बोलेगा अमन लिप्सा। अच्छा और कमेंट तो नहीं करते हो अमन, देखते हो, अच्छी बात है, तभी तो मैं सोचती हूँ इतनी इतने व्यूज कहाँ से आ जाते हो, क्योंकि तुम देखते हो मेरे वीडियो इसलिए। स्वाति वर्मा घंटा, हाउ आर यू, हाउ आर यू, अब घंटा हाउ आर यू पूछा ठीक है, लेकिन हाउ आर यू दूसरा किसको पूछा? स्वाति हाय स्वाति। अमन सारी टक से हैंकी वीडियो प्लीज अपलोड मैम, न्यू मॉडल अपलोड मैम। हेलो रुचि जी, अरे यार मेरे को जी मत बोला करो नेहा, केवल रुचि बोला करो, सेम ही एज होगी जहाँ तक। अब मूड कैसा? अरे फिर तुम तो मूड की बात मत करो, अभी मैं फायर हो जाऊंगी, फिर मूड मेरा अच्छा है अभी। हाय नेहा आज बिल्कुल परी लग रहे हो। अरे उसका नाम नेहा है, मेहा नहीं, नेहा। हेलो मनीषा डियर, हेलो अमन, सब परी हैं एंड आप परा हो। हाय नेहा, थैंक्स नेहा, नेहा एक अच्छी बच्ची है। हेलो सिंह, सिंह कौन है? अच्छा लिप्सा के सामने रुचि भी फीकी लगती है, वाह वाह क्या तुमने कमेंट किया है अमन। नेहा तुम्हें फूल दे रहा है, मैं कपड़ों की क्या लिखी, मैं दिख नहीं रहा मुझे इसमें, मैं कपड़ों की दुकान फोल्ड कर रही हूँ। अच्छा मैंने तो सारा काम पूरा फिनिश करके उसके बाद मैं मतलब आई थी, तो फिर कोई आया नहीं, फिर मुझे लगी आ गया रोबोट। बचो अमन, बचाओ अमन, कौन आया?
पता है मूड खराब नहीं हुआ था मेरा ना, इसकी लाइफ में तुम्हारे जो मैसेज थे वो हेल्ड हो रहे थे, तो वहां मैं अकेली तो मोड थी नहीं, वहां पे और भी लोग थे तो उनको दिख रहा था, बट कोई कुछ कर ही नहीं रहा था, वो हेल्ड में जा रहे थे, तो इसलिए अच्छा तो मैं ना, और मुझसे ना जब स्पैम वर्ड ऐसे आते हैं तो रहा नहीं जाता, हम हाइड कर देते हैं, क्योंकि वो फिर चाहे किसी का मोनेटाइज हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उसकी लाइफ बेकार ना जाए, इसलिए हमने तुम्हारा मैसेज जो है वो हाइड कर दिया था। अब वो अगर मतलब उसको शो हो रहा था तो वो कर देती है ऐसे, लेकिन उसने किया नहीं तो हमने अपना कर दिया अपनी तरफ से, और मैंने कुछ बोला भी नहीं फिर, लेकिन वो बार बार वो कह रही थी ना कि इसने डिलीट किया मैंने नहीं किया, तो मुझे खराब लग रहा था कि यार जब वो हेल्ड पे पड़ा हुआ था तब या तो तुम शो कर देती या फिर उसको डिलीट कर देती, मतलब हाइड कर देती, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं भाई ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा मेरा मूड वो हो गया था, और तो बाकी कुछ नहीं। अच्छा नाइट बॉट आया था, अच्छा मैं भी आ जाऊँ? नहीं वो अकेले हेल्प, उसको हेल्प की जरूरत नहीं है, वो भी अमन तुम्हारे हेल्प की तो जरूरत नहीं है, नेहा के सामने मनी भी फीकी लगती है। हाँ कोई बात नहीं, एक्चुअली स्ट्राइक वाला वर्ड स्पैम गया होगा। हाँ नहीं स्ट्राइक भी वो, हाँ जो ना वो था ना गैग वाला जो था वो, उसकी वजह से पूरा मैसेज हेल्ड में चला जा रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं वो किया, फिर बाद में फिर मैंने जब उसने भी बोला मनी ने कि अरे आने दीजिए, तो हमने कहा ठीक है, जब भी उसको मेन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे क्या, फिर मैंने सारे शो कर दिए। इट्स ओके नेहा फ्रेंड मी, अरे इट्स ओके कोई बात नहीं। व्हेन यू अपलोड मैम सारी टक्स हैंकी वीडियो मैम मैरिज स्टाइल एंड ऑफिस स्टाइल फंक्शन। अब मोहन जी मेरे पास इतना टाइम तो नहीं होता कि मैं ये इतनी सा जो आपकी रिक्वेस्ट है वो पूरी करूं, और पहली बात तो साड़ी में ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, और साड़ी में टक्स मैं आपको वीडियो हैंकी करके दिखाऊं कि इस तरीके से लेते हैं, ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ अगर आप स्कार्फ में कहते हो ना दुपट्टे में तो वो मैं कर दूंगी, बट अब मैं साड़ी पहनूँ फिर उसमें आपको टक करके दिखाऊँ, ये सब नहीं करती मैं। अमन ऑलरेडी हो फ्रेंड, नेहा को चांद देख ले तो चांद भी शर्मा जाए। ओहो नेहा तुम ही उगा करो यार अब। प्रियंका सिंह व्लॉग्स, हाय प्रियंका जी कैसे हो आप, लाइक थैंक यू, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नाइट बॉट हा, हटा दिया अमन को। हे प्रियंका ही मौन कहाँ से लाते हो आप ये आइडियाज? हाँ इस तरह के कुछ और अच्छे आइडियाज हम लोग को भी दो ना, तो हम लोग इस पे वीडियो बनाए, लेकिन इस तरह के नहीं जैसे आपने लिखा है। दीदी आपने जो व्लॉग बनाया था ना फेस कवर वाला, ऐसी व्लॉग कुछ और लोग बना रहे हैं, कोई न्यू ट्रेंड आया है क्या? अरे मैं तो बहुत लेट में मैंने बनाया लिप्सा, पता है ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, और ये जो स्टार्टिंग हुआ था ना ऐसा नहीं स्टार्टिंग हुआ था, वो है ना वो कौन पंजाबी मॉम जो है उन्होंने बनाया था, लेकिन फेस कवर का ऐसा नहीं, उन्होंने दिखाया था कि सफाई करते समय अपने फेस को कैसे कवर करते हैं, तो ये एक वीडियो उन्होंने बनाई थी, उसी तरह से एक दो रिलेटेड और बनाई थी, जैसे उन्होंने झाड़ू वगैरह पकड़ रखी थी उसके बाद मतलब पूरा फेस कवर करके, उसके बाद से ये ज़्यादा चला है। स्टार्टिंग में उनकी वीडियो मैंने देखी है पंजाबी मॉम की, उन्होंने केवल ये बताया था कि भाई अपने चेहरों को कवर की मतलब झाड़ू लगाते समय या गंदगी रहती है तो उससे अपने चेहरे को कैसे कवर करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को आदत वो होती है ना एलर्जी, जैसे मुझे भी धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो अपने फेस को कवर करने का, तो उन्होंने इसके लिए वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, उसके बाद तो वो इतना ट्रेंड हुआ, इतना ट्रेंड हुआ, हमने कहा वाह मतलब एकदम। और कुछ जैसे वीडियोस आती है ना कि इस समय ये बहुत ट्रेंडिंग में है ये है, तो वो कुछ टाइम बाद चली जाती है, मतलब दो चार हुई और चली गई, लेकिन ये तो भय ही भगवान, इसका तो इतना ज्यादा वो हो रहा है कि पूछो नहीं, हर तरह का। उज्जवल टियोटिया, हाँ जी हाय जी, या हाँ जी हाय उज्जवल। अमन मैंने आपके व्लॉग देखा है, मम्मी के लिए बहुत बढ़िया था। अमन स्पैम मत करो, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ उज्जवल, आप कैसे हो? एंड आप मेल हो या फीमेल ये भी बता देना। थैंक्स लिप्सा, क्या मैसेज लिख कर रहा है ये मनी, क्योंकि
क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है इसके मैसेज, स्पैम कुछ लिखा क्या इसने? हाय एवरीवन, प्रियंका सिंह व्लॉग्स। हेलो प्रियंका जी, हाय एमी। प्रियंका एक अच्छी बच्ची है, सारे बच्चे आ रहे हैं बेटा, चिंता मत करो। हाय उज्जवल, दीप्सा कह रही है मैं अच्छी हूँ एमी। और कैसा चल रहा है? वो कौन है जो उस है, न्यू है क्या वो? अरे उस अमन क्या लिखी हो, एमी नाम है, आर्मी नहीं है वो। हाय एमी, आज बिल्कुल देखो पहले एमी से आर्मी कर दिया, अब आर्मी से आर्नी बना दिया तुम्हें अमृता, तुम्हारा नेम पूरा वो कर दिया। नहीं अभी खाना नहीं हुआ, बच्चों को खिलाया बस, मैंने नहीं खाया अभी, इतनी जल्दी नहीं, 10 बजे तक खाती हूँ मैं। ये चले गए हैं ना ऑफिस, चले गए। दीदी आपकी लिपस्टिक का शेड कौन सा है? मेरी लिपस्टिक का शेड तो मुझे याद नहीं है, बट ये उसकी है, नायका की। एमी एक गुड़िया है, वो नायका की वो आई है ना छोटी वाली, स्मॉल वाली, काफी पहले आ गई है, तो उसमें लिया था। लाइट पिंक है ये, एमी एक गुड़िया है। ओहो गुड़िया भी होगी, और कुछ वर्ड ढूंढ लो अमन, नए नए। मनीषा कहाँ हो? कपड़े तहल हो गए? एमी को चांद देख ले तो चांद भी शर्मा जाए। कितने मतलब चांद किसको किसको कहोगे? अमन श्रीवास्तव, हाय अमन। एमी 10 ईयर की बेबी है, यही होती। अच्छा ठीक, तुम्हारा खाना बन गया? और कुछ बताओ अपने बारे में, पूछो आप क्या जानना है आपको मेरे बारे में। ये लोग भी हैं तो टाइप कम कर रही। हाँ ठीक है, तुम काम खत्म कर लो। वो तुम्हारा डिनर हो बन गया? बन तो गया होगा आई थिंक। मैम काफी दिन बाद लाइव आए हो। अरे नहीं अमन, मैं 2 दिन बाद लाइव, मैं तो डेली आ रही थी, मैं कल भी आई थी, तुम आए ही नहीं थे। मनी खाना खा लिया? अभी नहीं खाई होगी। आप क्या करती हो? अभी तो मैं बातें कर रही हूँ फिलहाल आपसे, आप लोगों से। क्या पूछ रहे हो? मतलब यूट्यूबर हूँ, सॉरी यूट्यूबर नहीं हूँ अभी तो, यूट्यूबर नहीं हूँ। हाँ यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ मैं। जो अभी ईद का चांद? नहीं, मैं ईद का चांद नहीं हुई हूँ अमन, तुम ईद का चांद हो गए हो समझे, तुम आई नहीं रहो इतने टाइम से, अभी तो आज आए हो तुम। मैं पता है कितने, जब मैं लाइव आती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि अमन आएगा अमन आएगा, अमन आता ही नहीं है। किस चीज की वीडियो? किस चीज की? अभी जो इस समय ट्रेंडिंग में है वो वीडियो डालती हूँ मैं, फूडिंग की, कुकिंग वगैरह भी डालती हूँ मैं, व्हाट्सएप स्टेटस भी डालती हूँ मैं, DIY का भी डालती हूँ, और फेस ब्यूटी के, फैशन वगैरह ये सब वीडियो डालती हूँ। आप मेरी वीडियो तो देखते नहीं हो, क्यों नहीं देखते? वो राहुल गांधी की बनाई थी, देखा नहीं था? और तुम कितने टाइम में वीडियो डालते ही हो, देखो सॉन्ग सुना दो। मैं सोच ही रही थी अमन तुमने अब तक बोला क्यों नहीं सॉन्ग सुनाने के लिए, मैंने तो दूसरे दिन कहा था, मैं तो बिल्कुल कल बिल्कुल रेडी थी, लेकिन तुम तो आई ही नहीं हो, मैं काफी टाइम तक थी। नहीं, ये तो गलत है अमन, ये अपनी लाइन वापस ले लो, मैं नहीं हूं, और भी बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ओ वेरी गुड मैम, हाँ थैंक यू उज्जवल। आप कहाँ से हो उज्जवल, एंड क्या करते हो, स्टडी कर रहे हो या फिर जॉब वगैरह? आप रेडी हो? अरे नहीं अभी कहाँ रेडी हो अमन, सबकी कल छुट्टी है तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं, परेशान कर रहे हैं। हाँ अब मेरी भी, मेरी छुट्टी क्या, मेरी तो, मेरे हस्बैंड की भी तो कल छुट्टी है, इसलिए मैं सोची कि आज लाइव आ जाती हूँ, पता नहीं कल, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कहीं चले गए तो, इसलिए मैं सोच रही हूँ अपने भाभी के यहाँ चली जाऊँ जो यहाँ रहती है, कहाँ पे, झिलमिल में।
तुम बिन जिया जाए कैसे कैसे जिया जाए तुम बिन, ये सिर्फ रिचू के लिए लिखा है मैंने। ओहो, पहली बार तुमने बिना मिस्टेक किए ऐसे लिखा है अमन, बहुत अच्छा लिखा है। स्टडी, अच्छा तो क्या कर रहे हो स्टडी में अमन? अनिशा कह रही मैं भी आऊं आपके साथ खाने। मनी बुला लो, मनीष को बेचारा कितनी बार तो बोल चुका है। क्या हुआ मनी, वॉट हैपन मनीषा? रुचु एक क्यूट सी डॉल है। चलो अमन, मैं बच्ची भी हूँ, मैं डॉल भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। अमन श्रीवास्तव आपको नहीं, दूसरे अमन को कह रही। हाँ अरे अमन, यहाँ अमन श्रीवास्तव, यहाँ एक और अमन है, मास्टर अमन कुमार, उससे बातें कर रहे हैं हम लोग, मतलब आपसे भी कर रहे हैं, लेकिन वो उसी का जवाब दे रही है, मतलब अमन कुमार का। तो तुम कुमार लिखो ना मनी, तुम कुमार लिखो केवल, ये अब सिर्फ मास्टर लिखो। दोनों अमन है ना रुचु, ये दूसरा अमन दिमाग खराब करता है। थैंक्स मनी, देखो थैंक्स भी कह रहा है, मतलब दिमाग खराब करने के लिए भी थैंक्स कह रहा है। अमन तुम आ ही जाओ, ठीक है, तुमको इनवाइट कर लेती हूँ, 2 दिन इनकी छुट्टी है ना, तुम वो मिलवा दूंगी इनसे भी, ठीक है? कब आओगे बोलो, कब आ रहे हो घर? रूम बंद कर रखा है वो लोग, उधर कार्टून देखे, इतनी ज्यादा आवाज आ रही थी। आपने अभी तक पार्टी, किस चीज की पार्टी अमन? ठीक है, अरे न्यू घर नहीं है अमन, अपना लूंगी तब दूंगी, बट कल कोई नोटिफिकेशन नहीं आई आपकी लाइफ की। कल मैं देखो ना, नोटिफिकेशन है मेरी लाइफ की है कल, और अभी तो मैंने उसको वो हाइड भी नहीं किया हुआ है अभी तक है। रुचि कहाँ लिया आपने न्यू घर? बस यही दिल्ली में लिया है, लेकिन जहाँ पे थी ना पहले वहाँ पे नहीं हूँ, वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ गई हूँ मैं। बाकी लोग चले गए होंगे, वो तो आए थे एक दो रिक्वेस्ट करने के लिए। और पता है मैं पूरा ले वे के बैठी हूँ, देखो मैं रेड, मैंने वो स्टोल लिया है, पिंक वाला स्टोल लिया है, ब्लू कलर की चुन्नी ली हुई है, टोपी भी ले रखी है, सब कुछ लेकर के बैठी हूँ। पता नहीं कब कौन रिक्वेस्ट कर दी, लेकिन इस चीज़ के लिए करेगा तो मैं करके दिखा दूंगी। लेकिन वो जैसे आए थे ना, वो स्टक करने वाला वो नहीं। अब मैं मतलब सोचो ना तो हंसी आती है यार, अब मैं मतलब साड़ी का पल्लू अब कितने तरीके से कंफर्ट में खोजते हो वो दिखाओ, फिर हैंकी को कितनी तरह से डालते हो। हाँ साड़ी में वो बोल रहा था कि मतलब साड़ी को जो कोना नहीं होता, जब काम करते समय आप अंदर कर खोज के उसके बाद काम करते हो, तो वो बता कह रहा था, रिक्वेस्ट करो, वो कह रहा था कि मतलब उसको करके दिखाओ कितने तरीके से करते हो, और शादी में फंक्शन वगैरह में जाते हो तो हैंकी को कितने तरीके से टक करते हो। हमने कहा यार साड़ी तो मैं पहनती नहीं पहली बात तो, जल्दी ऊपर से मैं टक करके दिखाऊंगी ये, और कोई देख लेगा, मेरा इवन मेरा भाई मोनू देखता है, वो तो देख लेगा तो वो गुस्सा आ जाएगा, कहेगा ये क्या कर रही हो। मैं रिक्वेस्ट कर दो उसके लिए तो अभी तो। अरे हाँ अमन, तुमने जो बोला ना अभी मुझे याद आया, इसमें यूट्यूब में जैसे लाइव करते समय हम गाना नहीं गा सकते, नहीं तो मेरी जो YT के रूल है ना उसके अगेंस्ट तो मैं जा नहीं सकती। अगर मैं इसमें गाना गा दूंगी तो वो मेरी उसको लाइव को बंद कर देंगे, मैं 3 महीने तक मुझे वेट करना पड़ेगा लाइव का। अरे तो टाइटल में डाली तो आएंगे, हाँ उसके बाद मुझे डिसलाइक देके जाएंगे जैसे तुम्हें देके गए इतने, और मेरी पहली वाली जो वीडियो है ना, कौन सी वीडियो नहीं है, लाइव है, जिसमें कि मैं आई ही नहीं थी फेस वो करके, केवल मैंने टाइटल डाला था, उसमें 8 डिसलाइक आ गए, पता है? देख के मैं दिमाग, हमने कहा भगवान, 2 थे फिर 5 हुए फिर 8 हो गए। रुचु आप साड़ी में बिल्कुल परी लगते हो, कब देखे तुम मुझे साड़ी में अमन? छोटा सा गाना, छोटा सा गाना, अच्छा ठीक है, जब लाइव एंड करूंगी ना तब सुनाऊंगी, ठीक है?
बस वही गाना सुना करके फिर एंड कर दूंगी। आपको अपने दिल में, ये भगवान, अच्छा अपने दिल में देख लिया। डिक्स लाइक से कह, अरे डरती नहीं हो लेकिन सोचने, मतलब कुछ लोग तो जो देख ही जाते हैं उनका पता है। मुझे भी 9 मिले, नहीं मुझे 8 दिख रहे थे, बाद में किसी और ने दिया होगा, क्योंकि वो ना उनकी सब हर हर रिक्वेस्ट आ रही है ये करो, लोग कर भी रहे हैं। अब जैसे सुनीता दी ने बोला ना कि इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, उन्होंने ठीक बोला। अब लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो अलग अपना वीडियो बना रहे हैं कि अरे तो हम तो फन के लिए कर रहे हैं, ऐसे ऐसा थोड़ी है कि किसी कोई ये कर लेगा तो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा नहीं हो जाएगा, वो तो ठीक है, हम लोग को वो भी समझ में आता है, लेकिन जो देखता है उसको समझ में नहीं, तो हर किसी को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि नहीं ये ऐसा है इसलिए। मैंने जो साड़ी के लिए उसने बोला था, वो मेरे उन्होंने आकर के वीडियो पे भी कमेंट किया कि मैम साड़ी से टक करके, तो मैंने इनको बताया तो इन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं ये सब मत करो, स्कार्फ और दुपट्टा चलो ठीक है क्योंकि समर और विंटर में सभी लोग लेडीज हो या लड़कियां हो वो कवर करके जाती हैं, वो चीज नॉर्मल है क्योंकि वो होता है। अब तुम मतलब इस तरीके से, ये सब पागल है लोग, ऐसे मतलब क्या करते हैं, हंसते हैं देख करके, मजाक लेते हैं, मजे करते हैं। तुमने कहा हाँ सही कह रहे हो, नहीं करूंगी। मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा होता है, अमन टुकला नहीं होता, रहती है ये सिर्फ रुचि के लिए लिखा है। अच्छा थैंक यू अमन, मनी एक माता है। जय मनी माता की जय। अमन सुधर जाओ, क्या लिख रहे हो अमन तुम तो? है कुछ भी क्यों मनी, मतलब उसने तो ना जो जिसने साड़ी और टक के लिए बोला था ना, उसने तो मुझे ये बोल दिया कि आप लाइव में साड़ी पहन के आना और टक करके दिखाना, तो मैं और व्यूवर्स लेके आऊंगा। तो हमने कहा व्यूवर्स के लिए, अपने वॉच टाइम बढ़ाने के लिए हम साड़ी पहने उसके बाद टक करके दिखाएं, और गलती से अगर मेरा भाई आ गया वो तो तुरंत ही कह देगा कि बंद कर दो तुम ये फालतू काम। खराब लगता है ना, अब जैसे हम ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे कहीं चले गए, चलो ठीक है अच्छा गएंगे पूरी, हाँ बहुत, और सब एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि अभी उस दिन जब मैं लाइफ पे आई थी ना, तो वो एक कौन आया हुआ था, कोई क्या नाम था उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, तो जब वो जाने लगा लगी लड़की थी कि लड़का नहीं मालूम, तो दूसरे ने उसको मतलब सिर्फ उसके नाम से बोला कि रुको अभी रुको, ने कहा सब जानते हैं एक दूसरे को। मेरा पेट ने मेरे चैनल में लिखा हुआ है अमन, मनी अमन सुधर गया तो वाईटी की सभी लड़कियों को क्या होगा मनी। हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा अमन तुमने, तुम ही तो एक हो और बाकी तो कोई करता ही नहीं, मतलब तुम आते हो लाइव में तो लगता है कि हाँ लाइव में, मतलब तुम्हारे आने से लाइव में 4 चांद लग जाते हैं अमन मास्टर अमन कुमार। मनी आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, टमाटर की चटनी, हाँ बिल्कुल अलग, पता है मैंने उस वो देखा ना, तो हमने कहा टमाटर टमाटर की चटनी, हमके टमाटर की चटनी इसने की है, और पूरी मुझे चाट लग रही थी, और उसको देख के मेरा मन, मुझे भूख लग गई, और फिर मैंने जब वो उसमें देखा ना, तो मैंने भून के बनाया है एकदम, बिल्कुल कभी दिमाग में आया नहीं कि हाँ कि भून के भी टमाटर की चटनी बन सकती है, और वो कितनी टेस्टी होती है नॉर्मल चटनी से। आज पता है जब मैं टैग डाल रही थी गैग दी वाला, तो क्रिमिनल सर्च हो रहा था, कौन सा उनका, मतलब वो उसमें आ रहा था, उसी में तो है ही यार, और पता है ये डबल मीनिंग है इसको ना, मतलब गैग गैंग बोलते हैं ना, तो ये डबल मीनिंग है, ये उधर भी पहुंच जाता है अगर वैसे किसी से, क्योंकि मैंने जब इनसे बोला ना, तो ये सीधे उस पे, हमने कहा अरे नहीं उसके लिए थोड़ी, तो कहते हैं कि ये डबल मीनिंग वर्ड है, कोई भी लेगा इसको ऐसे। मैंने कहा हाँ मनी मुझे खानी है टमाटर चटनी, अब खत्म हो गई अमन, वो फिर से बनाएगी ना तो तुम्हें
बुला लेगी। अच्छा ससुराल में बंदी, तो तुम्हें लिख देना चाहिए था ना कि मदर इन लॉ मतलब की रेसिपी। तो वो चीजें ज्यादा लोग वो करते हैं ना, जैसे दादी के नुस्खे या नानी के ये सब। किट्टू अन्वेष आ गए हैं मैम विंटर कैप, मतलब हाय हेलो कुछ नहीं किया किट्टू, बस आते ही विंटर कैप। विंटर कैप तो मैं पहन लूंगी क्या, विंटर कैप करके क्या करूं पहन के। मैं भी आ जाऊं आपके घर मनी, इस बार मैंने घर पे 2-3 बार बनाया था मम्मी से सीख के, तभी सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाऊं, बहुत टेस्टी लगती। हाँ वो बहुत ज्यादा अच्छी, क्योंकि स्मेल उसकी ना एकदम सोंधी सोंधी सी। अब तुम अगर गांव वगैरह या घर पे जैसे जहाँ चूल्हा वगैरह हो उस पे अगर वो भून के खाओगी ना बना करके, तो वो और उससे भी ज्यादा टेस्टी लगेगी गैस के जो बनती है। मनी वीडियोस बहुत अच्छी अपलोड करती है। हाँ तुम भी सीख लो अमन, अमनी से कुछ। मनी के सामने रुचि भी फीकी लगती है, लो बस यही कमी थी। अमन तुम आज फ्री हो क्या, कितने बजे आते हो ऑफिस से? दस बजे रात के 10 बजे। अच्छा थैंक्स अमन, तुम डेली लाइव में आया करो ठीक है। अब 10 बजे तो इतनी देर में, 10 बजे तो मेरे सोने का टाइम हो जाता है। मैं कितनी लेट में सो रही हूँ आजकल, सुबह टाइम ही नहीं कोई उठने का, बच्चे देर में। तो मैंने बोला 10 बजे तक सब आप बेड पे आ जाना, सो चाहे ना सो, आधे घंटे में 1 घंटे में 11 बजे तक सोओगे लेकिन सो जाओगे। नहीं बाहर रहेंगे खेलते, छोटा वाला कहता है उससे पूछो कि सोओगे तो ना, तो ऐसे सर हिलाता, कहता नहीं, और टीवी की तरफ कहता है ऐसे करेगा ऐसे करता है, बदमाश बहुत परेशान करता है। थैंक्स बोल के आपने मुझे इतनी जल्दी पराया कर दिया ना मनी, तो तुमको थैंक्स ना बोले अमन। मनी ओहो तो कल सैटरडे संडे छुट्टी है अमन तुम्हारी? मनी मुझे भी खाना बनाना सिखा दो ना, इसीलिए तो कह रही हूँ तुम शादी कर लो, तुम्हारी बीवी आ जाएगी वो खाना बनाएगी, तुम भी साथ में हेल्प करना, तुम भी सीख जाओगे। पराई ही हो तुम अमन। नहीं मंडे को छुट्टी होती है। अच्छा अरे रोने लग गया अमन, इतने ज्यादा आंसू, बाढ़ आ जाएगी मेरी लाइफ में। संडे को छुट्टी नहीं रहती है? इससे अच्छा होता कि आप मुझे थप्पड़ मार देती मनी। ओहो तो फिर लाओ गाल, मेरा गाल इधर करो तुम मनी। आज मनीषा ये काम पूरा ही कर दो, ये इतने कितनी बार ये बोल चुका है, ये थैंक्स मतलब इसको थप्पड़ खाना गंवा रहा है लेकिन थैंक्स बोलना नहीं। मुझे वीडियो बनाती, मैं इसी में सोच रही, इसी लाइव में वीडियो ही बना दूँ, है अपने कुर्ते दिखा दूँ और बोलूँ कि यहाँ से मंगाए ना, पूरी लाइव ही हो जाएगी ना, ये ठीक रहेगा। फिर अलग से उसके लिए चलो वीडियो बनाओ, ये वो करो, इस बहाने मुझे हाथ तो लगाएगी। बोली तुम अमन ना, तुम अमन मेरी वीडियो रोज 10 बार देखो सीख जाओगे। मनी के हाथ बहुत मुलायम है, हे भगवान। एक और कोई है? हाँ कोई वो अमन होगा, अमन श्रीवास्तव शायद। तीसरा कौन है वो भी हाय कर दे एक बार। संडे को काम होता है, अच्छा तो
मंडे को छुट्टी लेते हैं, मतलब संडे को तो सबकी छुट्टी होती है ना। हाय देखो अमन है, अब मैंने बोला ना वही होगा अमन श्रीवास्तव। हाय वही मनी एक हाथ, मनी के हाथ बहुत अच्छे हैं। अच्छा चाटा भी पड़ता है इस हाथ से अमन, और बहुत तेज पड़ता है। तुम्हें पता नहीं अमन, मुलायम हाथ से चाटे बहुत तेज पड़ते हैं। मार दो ना मनी। मनी कब मना कब किया है मनी? एक्सपीरियंस है लगता है। अमन जवाब दो, देखो मार खाने का एक्सपीरियंस है क्या तुम्हें अमन? एक और कोई आया वो भी हाय कर दो, फिर चला गया, देखता है फिर चला जाता है। एक बार मुझे रुचि ने मारा था। हाँ मैंने कब मारा था तुम्हें? कितना झूठ बोल रहे हो। चलो अपनी कसम खा के बताओ मैंने कब मारा तुम्हें। दिलाई वो ने खाना खिलाया। ठीक है ओके मनीषा। रुचि एक हाथ मनी से भी ज्यादा मुलायम है। ओहो अंजू नरूला हाय। हाय अंजू जी, वेलकम माय लाइफ, थैंक यू, कैसे हो आप? सपने में मारा था ये सब तुम, मतलब सपने में मारा था तो तुम्हें लगा ही नहीं होगा ना अमन। हे अंजू फाइन, मैं भी अच्छी हूँ अंजू जी। और आपका डिनर हो गया? लगता है इससे इसी बहाने मुझे हाथ तो लगाया था जो। नहीं तुम आ जाओ ना, तुम मंडे को आ जाना ठीक है, मैं तुम्हें चाटा मार के दिखा दूंगी ठीक है कि कैसे लगता है। अमन यू ऑलरेडी फ्रेंड, वापस कर दो आप भी। अमन कनेक्ट हो जाओ अंजू जी से अगर तुमने नहीं किया है तो। ओके दोनों अमन सॉरी, यहाँ दो अमन है अंजू जी, तो अपनी मैं दोनों को बोल दे रही हूँ, दोनों लोग अंजू जी से कनेक्ट हो जाओ। अंजू आप मेरे पहले से फ्रेंड हो, मास्टर अमन कह रहे हैं। अंजू आप बिल्कुल परी परी लग रहे हो। ओके अमन अंजू अच्छी बच्ची है। और बताओ अमन, अंजू के सामने रुचि भी फीकी लगती है। राइट बिल्कुल सही कहा। तुम अभी भी वही 3 बजे डिनर करते हो अमन, मास्टर अमन कुमार? किया थोड़ा जॉब के बाद चेंज किया। अंजू को चांद देख ले तो चांद भी शर्मा जाए। और बोलो थोड़ा सा, दो चार और बोलो, फिर अंजू जी रिप्लाई करेंगी तुम्हें कि अंजू एक अच्छी बच्ची है, अंजू एक डॉल है, अंजू एक गुड़िया है, अंजू 4 साल की बेटी बच्ची है। और बोलो हाँ रुच्चू अभी भी वही करते हो, अब तो चेंज कर दो। 3 बजे कौन डिनर करता है बताओ? तुम 3 बजे डिनर करते हो तो तुम मतलब रात भर जगे रहते हो, तुम सोते कब हो, फिर तुम ऑफिस कब जाते हो? अमन अंजू जा चुकी है, दो ही है नहीं 3 है, 3 दिख रहे हैं मुझे। अंजू जी नहीं होंगे अब, 2 है मैं और तुम। अभी 3 थे फिर हो कम हो, 2 दिख रहे हैं अब, 2 दिख रहे हैं सेम 2 बजे तक। अच्छा तुम भी 2 बजे तक जगे रहते हो अमन श्रीवास्तव? इतनी रात में अगर इतनी रात में जाके पढ़ाई कर रहे हो, जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो फिर अच्छी बात है, बट फिर भी 2 बजे रात तक पढ़ाई करके फिर नींद खराब करो, क्योंकि रात की नींद लेना तो बहुत जरूर होता है, नहीं तो तबीयत खराब हो जाती है, सर दर्द होता है।
5 बजे सोते हो, तुम ऑफिस कब जाते हो, तुम्हारा ऑफिस कितने बजे से फिर मास्टर? हाँ मैम। अच्छा तो इतनी रात तक क्यों जगते हो, 2 बजे तक? जबकि तो मैं भी हूँ, मुझे नींद नहीं आती, पर मैं अपना काम वगैरह कर लेती हूँ। अच्छा, मास्टर मेरी वीडियो देखते हो तुम, तभी तो बढ़ रही है मेरी वीडियो की व्यूज ना, स्टूडेंट हो ना। नहीं वो तो ठीक है, बट अगर ऐसे जैसे शेड्यूल एक कर लो ना कि पढ़ाई इतने बजे, फिर क्योंकि 2 से 4-5 बजे तक सोते, फिर तुम 10 बजे तक सोते हो क्योंकि तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती होगी, और फिर दिन भर में भी तुमको ऐसा लगता होगा थकान थकान सी, नींद ही पूरी नहीं होती, सोते रहो तो 11-12 बज जाता है, फिर जब तुम 12 बजे सो के उठोगे तो तुम दिन भर सोओगे नहीं, तुम्हें रात में भी नींद नहीं आएगी, देर से आएगी, तो इस पे हेल्थ पे असर पड़ता है ना। अभी तो नहीं पता चला लेकिन बाद में पता चलेगा फिर, और पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है। मैं 11 AM जाता हूँ जॉब। अच्छा लेकिन हमेशा तो यही जॉब नहीं रहेगी ना, आगे चेंज करोगे फिर प्रॉब्लम होगी। मुझे अपने घर में नौकर रख लो ना, रुचि फ्री में काम करूँगा। अरे नहीं अमन, मुझे ना अपने हाथ का काम खुद पसंद है, दूसरों का हाथ का काम मुझे पसंद नहीं आता। मैं जितने काम करती हूँ ना मैं खुद ही करती हूँ। गुड आइडिया। सोच रहा हूँ रुचु मैं आपके घर में जॉब कर लूँ। नहीं तुम जॉब मत करो, तुमको मिलना हो तुम ऐसे आ जाओ, मैं तो इनवाइट कर रही हूँ ना, तुम्हें बुला रही हूँ, तुम आ जाओ। तुम्हारी मंडे को छुट्टी रहती है ना, तुम मंडे को आ जाना ठीक है, ये तो रहते हैं दिन में, ये रात में जाते हैं कि रात की शिफ्ट है, तुम आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल इनवाइट है, मेरी तरफ से इनविटेशन है फुल, तुम आ जाओ। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में तुम काम नहीं कर सकते अमन, उनका पूरा वर्क ही अलग है। मैं भी आ जाऊँ? हाँ अमन आप भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। मास्टर अमन के लिए तो ना मेरे दोनों बच्चे ही काफी हैं। तीसरा कौन है, मुझे तो दो ही दिख रहे हैं, अमन ही है ना। रुचु आपके पति की छुट्टी कब होती है? सैटरडे संडे अमन, सैटरडे संडे, कल जैसे कल और परसों ऑफ रहेगा, तो हस्बैंड लोग रहते ना घर में जानते हो, इतना काम काम क्या मतलब, फिर भी थोड़ा मैसी सा हो जाता है ना, थोड़ा लेट सब चीज चलता है, बट मुझे जो काम करना होता है वो तो मैं कर ही लेती हूँ। नहीं अभी मैंने अमन वो नहीं किया, डिनर नहीं किया है, बना के रखा हुआ है, बच्चों को खिला दिया, मैंने नहीं खाया अभी। 10 बजे तक खाती हूँ, अभी तो 10 बजे नहीं टाइम है, अभी मुझे नींद भी नहीं आती इतनी जल्दी, फिर मैं सोचती हूँ वीडियोस बना लूँ, वीडियो भी फिर बोरिंग लगता है, तभी तो बोल रहा हूँ मुझे नौकर रख लो। अरे तो किस लिए नौकर रख लो? अच्छा काम ज़्यादा हो जाता है इसलिए? नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम ज़्यादा हो जाता है ना तो भी मैं अपना खुद ही कर लेती हूँ, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, कर लीजिए। नहीं मैं कर लूँगी अमन, अभी मैं इतनी जल्दी नहीं करती ना, 10-10:30 तक करती हूँ तो कर लूँगी। खैर कल तो इनकी छुट्टी है ना, तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहती, हम लोग सोचते हैं इनकी छुट्टी रहती तो हम लोग सोचते हैं हम लोग की भी छुट्टी है, मैं तो ये सोचती हूँ, बाहर निकल जाते हैं घूमने वगैरह कहीं, फ्री में काम करूँगा, बस आप ना फेस दिखा देना रुचु। अच्छा ऐसा क्या है, मैं डेली लाइव आऊँगी ना तो मेरा फेस देख लिया करना ठीक है, अब तुम इतनी दूर से आओगे डेली काम करने के लिए सिर्फ मेरा फेस देखने, तो मैं लाइव आ जाया करूँगी, तो मेरा फेस देख लेना डेली और बात भी कर लोगे मेरे से। अरे रोने क्यों लगे? रो मत यार। मुझे कहाँ जाना है आप बोलो तो मैं आपके लिए कहीं भी आ जाऊंगा रुचु। अच्छा ठीक है, तो मैं देखो कल या परसों में जाऊंगी वहां पे। मुझे
बाकी सब खा गए, बाकी सब दोनों बच्चे ही हैं, हस्बैंड तो जॉब पे गए हैं और बच्चों ने खा लिया है, तो मैं खाऊंगी। मैं सोची आप बोलो तो मैं जहर खा लूँ, अरे नहीं प्लीज माफ करो, जहर मत खाना, जहर खा लोगे फिर तुम तो भटकती आत्मा की तरह मुझे परेशान करोगे, जहर मत खाओ भाई। मुझे कब से, मुझे सीपी जाना है, मुझे सरोजनी मार्केट जाना है, मुझे चांदनी चौक जाना है, तो वो कब से लटका पड़ा हुआ है, देखो मैं कहाँ, कहीं ना कहीं तो जाऊंगी अभी 2 दिनों में, सरोजनी मार्केट, या सही पकड़े हैं बच्चों। हम समझ गए थे कि अगर मैं ये बोलूंगी ना कि ठीक है मैं तुम्हें जहर दूँ, तो तुम यही बोलोगे कि मैं तुम्हारे आपके गेट पे खड़ा रहूंगा तुम्हारे बन के, इतना तो मैं तुम्हें समझ ही गई हूँ ना, मन इतना बात करके तुमसे। रुचि मंडे को चांदनी चौक चलूंगा, मंडे को तो मैं नहीं जा पाऊंगी अमन, क्योंकि फिर मंडे को जैसे सुबह वर्किंग भी रहती है ना, शेयर मार्केट का काम वगैरह रहता है, तो उस दिन तो नहीं, सैटरडे संडे मार्केट बंद रहती है तो फिर मैं फ्री रहती हूँ, कहीं आना जाना भी होता है तो मोस्टली सैटरडे संडे को ही करती हूँ, और फिर मंडे को इनका भी रहता है, मंडे को तो नहीं सैटरडे संडे में जाती हूँ, मंडे तुम्हारी ऑफ रहता है ना, तुम्हारा ऑफ इसलिए। हाँ मुझे पता है, तुमने बताया ना कि मंडे को छुट्टी होती है मेरी, बट यहाँ पे मंडे को छुट्टी नहीं होती है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है बस। रुचि मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। अच्छा नेहरू प्लेस में आओ मैम, नेहरू प्लेस तो बहुत दूर है यहाँ से, नेहरू प्लेस में वैसे क्या है, क्या करने आओ मैं वहाँ पे। रुचि मैं, रुचि ने मेरा दिल तोड़ दिया है, अरे मैंने क्या बोल दिया अब तुम्हें, तुम्हारा दिल तोड़ दिया मैंने, कुछ भी बोलते हो अमन है। मार्केट है मैम, रुचि मैं आपको मूवी दिखाने ले जाऊंगा, अरे मुझे 3 घंटे की मूवी देख के बोर कौन होगा, 3 घंटे तो मैं बाहर कहीं घूम लूँ तो मुझे ज्यादा पसंद है, हॉल में बैठ के 3 घंटे मूवी देखिए बोरियत होती है, ऊपर से पीछे से हूटिंग करने वाले कम होते हैं, वो इतना चिल्लाते हैं कि उनकी वजह से मूवी भी समझ में नहीं आती है। हाँ नेहरू प्लेस में, पर वो बहुत दूर पड़ जाएगा, आपको पानी पूरी भी खिला लूँ दूंगा रुचु। अच्छा मुझे यहाँ का पानी पूरी बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं कैसे कोई टेस्ट ही नहीं आता है। अरे लक्की जी आप फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे देख रहे होगे ना, इसीलिए आप सोच रहे, अरे आज तो मैं फेस पे हूँ और वैसे तो मैं ऑफ फेस रहती हूँ, हाय कैसे हो आप, आपके पैर, अरे अमन बस करो अब बस करो ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना मत करो। वही तो, हाँ, मुझे लग रहा था आप यही सोचोगे। हेलो अगेन, खिला ली, शिव को खिला रही थी, तुम भी कर लेती ना डिनर, पेस्ट्री खिलाया रहे हो अमन, चलो थैंक यू, बढ़िया है, पेस्ट्री तो अच्छी लगती है मुझे, बेटे ने वाईफाई बंद कर दिया था म्यूट था तो पता ही नहीं चला। अच्छा कैसे हो जी, मैं अच्छी हूँ लक्की जी, आप कैसे हो, मनी मुझसे पूछा भी नहीं, अकेले अकेले खा लिया मनी, मनी ने मेरा दिल तोड़ दिया है आज, तो फिर क्या करोगे अमन, मनी ये गंदी बच्ची है, तुम तो पेपा पिक की तरह बात करते हो मास्टर अमन, अमन मेरी हबी यही है
अब कुछ नहीं बोलेगा, फिर बोलेगा, रिप्लाई करेगा जरूर। तो क्या हुआ मनी, देखो जॉब तुमने चेंज किया, अमन तुम कुछ ज्यादा ही वो हो गए हो ना, क्या मतलब एकदम क्या कहते हैं उसे, बेधड़क एकदम कुछ भी बोल देते हो तुरंत ही। मनी मैं डरता नहीं हूं आपके पति से, लो सच में जॉब का असर है। तुम्हारा आ गया वो मनीषा, अमन तो डरो। तुम्हारा वो तुमने मंगाया था आ गया, मेरा तो दोनों आ गया और बहुत जल्दी आया, मतलब एक दिन मैंने मंगाया था, उसके दूसरे तीसरे दिन आ गया और मेरे दोनों आ गए। अच्छा है, मतलब बहुत मुझे तो ज़्यादा वैसा पसंद नहीं तड़क भड़क, तो सिंपल सा गर्मी के से रिलेटेड मंगाया लाइट कलर का, बट कलर भी एकदम वैसा ही आया जैसा कि उसमें मतलब था, और कपड़ा भी अच्छा है कॉटन में। मनी अपने पति से बोलना कि अमन को जान से मारना, आप दिल्ली में हो ना इसलिए। शायद जल्दी आ जाता है मनी। हाँ यहाँ पे अधिकतर जितने भी मतलब वो ऑर्डर वाले जो भी है ना, वो इधर ही दिल्ली में ही गुड़गांव पास में है, तो इस वजह से कोई भी कुछ मंगाओ तो चाहे किसी भी ऐप से तो जल्दी आ जाता है। बोलो कब आओ मनी मरने, अमन वो मारते नहीं सिर्फ डराते हैं। मनी रोने लग गया। अमन तुम जहां हो ना वहीं रहो, तुम कहीं जा नहीं सकते, तुम बस बोलते हो मैं यहाँ आऊँ मैं वहां आऊँ, मैं आपके घर आ जाता हूँ मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, पर तुम जाते नहीं। रियली रियली किसको बोल रहे हो अमन, मास्टर को, मनीषा जी? अच्छा रियली मनीषा जी, अब इस वाले फोन में मुझे फिर से करना पड़ेगा सारा कुछ, यही सब प्रॉब्लम रहता है। मनी का दिल बहुत अच्छा है। हाँ मनी का दिल तो अच्छा है अमन, मनी साफ बोलती है बिना डरे। साफ बोलना ही चाहिए अमन, डर किस बात का, और क्यों डरूं, किस चीज से डरे कि वो बोले ना, रुचु के सामने सभी लड़कियां फीकी लगती हैं। अच्छा अमन श्रीवास्तव क्या कह रहे, अरे मेरे ख्याल से वो तुमने मैसेज किया था ना कि मेरे पति डरते नहीं मारते नहीं डराते हैं, तो वो जानना चाह रहा होगा, उसने बोला रियली मनीष जी पूछ रहे, मतलब सच में ऐसा है, रुचु के सामने मनी सच में फीकी लगती है। अरे चुप हो जाओ अमन तुम तो, और अमन कुमार मैं सिर्फ भगवान से और अपने माँ बाप से डरती हूँ। मनी ये क्या हो गया अमन को, अमन ने क्या किया, एक की माँ यूनिक, पर इतनी ज्यादा नोटिफिकेशन आती है सब लोग, मतलब मुझे लगता है कि इतने फ्री होते हैं सब, इतनी जल्दी जल्दी सब बना लेते हैं कर भी लेते हैं, डेली सबकी एक 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 डेली सबकी वीडियो आती है, हम बना के कब से रखे, मेरा माइक पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मुझे लग रहा है उसको अब डिलीट करूँ कि क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो भगवान से भी नहीं डरता हूँ मैं सिर्फ, हाँ मेरी आंखें कुछ ज्यादा बड़ी ना मन, इसलिए तो मेरे से डरते हो, सही कहा।
ये भगवान मेरा भगवान से रुच्चू है। अरे क्या बोल रहे हो अमन, जय रुच्चू माता की जय। माता भड़क गई ना तो फिर तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाएगा अमन, मास्टर अमन। कितनी सब पता है, इतनी देर रात में लाइव करते हैं। कल रात मैं भी आई थी बस देखने, तो एक दो लोग आए, तो लोग आएंगे और देखते रहते हैं और कोई कमेंट नहीं करेगा। फिर मैंने हट गई, मैं मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कल मैं उसकी लाइव में थी ना किरण की, तो वो इधर उधर वो वही वही भू डरावनी वो सारी चीजें कर रही थी, तो उस वजह से उसको सोच के मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सो गई बाद में। एक बार मैंने आपका काली का रूप देखा था रुचि। हाँ, बहुत कम देखने को मिलता है तुम्हें काली का रूप अमन। रुचि काली माता की जय। अच्छा खुश रहो बच्चे। लाइक मैम, थैंक यू मन, बहुत देर में तुमने लाइक किया, पर अभी भी मुझे जीरो। पता नहीं क्या हो गया, ये वाईटी में कुछ है मतलब पंगा वगैरह की, ये दिखता नहीं। थैंक्स रुचि माता की। शुक्र करना कि दोबारा कभी ये चीज ना हो कि काली माता का रूप तुम्हें दोबारा देखना पड़े, पर उस टाइम तो वो करना जरूरी था क्योंकि मुझे गुस्सा लगी थी ना। अब मेरे तक मुझ तक कोई बोले ना तो चलो ठीक है, लेकिन अगर फैमिली तक कोई जाता है तो मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं, और मैं उसको रिप्लाई जरूर, वो भी मेरे माँ बाप पे पहुंच गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप को बोलने की। मैं भूल गया था, कोई बात नहीं रुचि, मैं तो सोचता हूँ कब देख लियो जी को आपको काली का रूप। नहीं, अब मैं बहुत शांत हो गई हूँ, चिंता मत करो, मैं ऐसे नहीं अपनी काली का रूप दिखाती हूँ, मुझे एक बार देखना है रुचि काली माता का रूप। ना ना नहीं, भगवान से मनाओ कि मेरा काली माता का रूप तुम्हें देखने को ना मिले, सब सही से रहेंगे तो नहीं मिलेगा देखने को, और लोगों के ऊपर है, और वो भी जिसको मैंने बोला भी था उसको मैंने कम से कम कितनी बार, मैंने उसने कई बार मेरे को टॉन्ट किया होगा, मैंने अवॉइड किया अवॉइड किया अवॉइड किया, लेकिन अवॉइड भी एक लिमिट तक अच्छी लगती है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बात अगर आपके परिवार पे आए तो वहां आपको बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए, वहां जरूर बोलना चाहिए। मुझे सच में काली का रूप है रुचू, वो तो हर लेडी होती है अमन, काली दुर्गा और जितनी भी नौ देवियां होती है ना सबका रूप होती है। हाय एमके, लाइक थैंक यू सो मच, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आज धरती पर काली आ गई है, काली का रूप है रुचू। हे भगवान, धरती पे तो काली जी बहुत टाइम से आई हुई है अमन। नहीं अभी मेरा डिनर नहीं हुआ एमके, आपका हो गया? नहीं रुचू, मैं माता का रूप, आज से सब रुचू को माता बोलना। अभी मैं तुम्हें पीट दूंगी अमन, फालतू बकवास करोगे तो। मनीषा जी कैसे हो? एमके, आज लग रहा तुमको देखना ही है काली माता का रूप। अमन भाई और सुनाओ। अरे एम की कुछ इसको बोलो अमन को कुछ, अभी ना ज्यादा उड़ा है, देखो मुझे क्या बोल रहा है, काली माता बोल रहा है मुझे। जो भी रुचो काली माता बोलेगा मैं उसे उसे मैं पैसे दूंगा। पैसे किसी को नहीं चाहिए अमन, तुम अपने पैसे अपने पास रखो। जो सच है वही मैं बोलूंगा, है ना रुचि? नहीं, ये सच नहीं है अमन, कोई नहीं बोलेगा अमन ये चीज। और एमके कैसे हो? रुचि दुर्गा माता की जय।
खुश रहो बच्चा, खुश रहो। थैंक्स माता जी। और बताओ तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है अमन? कभी अपनी मम्मा को भी दिखा दिया करो वीडियो, अपनी मम्मा तुम्हारी कैसे खाना बनाती है वैसे वो चीज दिखाओ। पुलिस जीरो क्यों दिखा रहे हैं मुझे? सब चले गए क्या? आज खुद दुर्गा माता ने आशीर्वाद दिया। जी भगवान। हाय मैम, हाय अमन। मुझे पता नहीं क्यों उसमें जीरो दिखा रहे हैं, मुझे लग रहा है सारे चले गए इसलिए मैंने पूछा। मेरी मॉम को वाईटी में, वाईटी में कौन कह रहा है? तो मैं ये थोड़ी बोलो कि मैं मतलब वाईटी के लिए बना रहा हूँ। ऐसी घर में नहीं वीडियो बनाते हैं कोई फंक्शन वगैरह, या फिर ऐसी नॉर्मल बैठे हैं मम्मा क्या कर रही हैं चलो बना दिया इसलिए। आज मुझे और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। अच्छा मैंने आशीर्वाद दे दिया तुम्हें इसलिए। सेम हियर मैम। अच्छा जीरो शो, हाँ मुझे अभी हो रहे हैं, टू शो हो रहे हैं अभी कुछ टाइम पहले ना मुझे जीरो शो हो रहे थे, अब तो थ्री हो रहे हैं। मुझे लगा सब चले गए। आज मुझे सब कुछ मिल गया, माता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। रुचि माता ने, हाँ आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारी अच्छी सी सरकारी नौकरी लग जाए और तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। ठीक है अमन, पता है मेरे पास किसी, मुझे मुझे भी आशीर्वाद दो, दे दो। हाँ तुम्हें भी आशीर्वाद अमन, तुम्हारी भी अच्छी सी सरकारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए और प्राइवेट जॉब की चिक चिक ना रहे, और हैप्पी रहो, खुश रहो हमेशा। रुचु अब मुझे बहुत बहुत, हे भगवान कुछ भी लिखता है ये, क्या लिख रहे हो ये? आज पता है मेरे को एक रिक्वेस्ट आई स्क्वायर स्कार्फ की, और फिर उसने किसी का शायद वो दिया लिंक दिया, बट लिंक आप मैसेज में नहीं दे सकते, वो स्पैम में जाता है, तो वो लिंक ओपन नहीं हो रहा था, मैंने डिलीट कर दिया वो मैसेज। फिर नाम बताया कि आप मैम ये करके ये स्क्वायर स्कार्फ से वो करके बनाओ, और मैं क्या क्या बनाऊँ, मुझे और भी वीडियोस बनानी है, तो मैंने फिर नहीं बनाई, मैंने कहा बाद में बनाऊंगी। शादी एक सजा है। अच्छा मुझे शादी करके फंसना नहीं है रुचु। अच्छा शादी एक उम्र कैद है, ये तो लड़कियों के लिए भी तो फिर वही बात हुई ना मन, जैसे तुम कह रहे हो वैसे तो लड़कियां भी सोचती हैं, और लड़कों को हाँ भी, हाँ भी मतलब क्या लिखा अमन तुमने? श्रीवास्तव, मैं सिर्फ श्रीवास्तव बोलूंगी तुम्हें और उससे अमन बोलूंगी, ठीक है? क्या लिखा है श्रीवास्तव? हाँ भी। और जो ये तुम कह रहे हो ना शादी एक उम्र कैद है, शादी सजा है, ये लड़कियों के लिए होती है पता है, लड़कों के लिए नहीं होती। लड़के लड़के कहाँ, कहीं लड़कों को कहीं चेंज करना पड़ता, उनकी शादी होती है वो अपने घर में रहते हैं, उनको घर चेंज नहीं करना पड़ता, आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होती, खाने पीने के लिए कोई रोक टोक नहीं होती, कुछ नहीं। और लड़की जो होती है वो शादी करके अपने घर से दूसरे घर में जाती है, और वहां भी उसे कोई इस रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, कुछ बात होती है तो क्या कहा जाता है, ये तो पराए घर से है, और अपने घर वाले कहते हैं अब तो तुम्हारा घर वही है, हर चीज से मतलब लड़की को ही तो बोला जाता है। फिर वो लड़की घर का काम भी करती है और सास ससुर बच्चे पति सबको देखती है, फिर उसको कहीं जाना होता है तो उस सबसे पूछती है कि मैं जाऊं मैं जाऊं, मैं जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ, और उसमें अगर मना कर दिया तो वो भी लो मुंह, कुछ नहीं कर सकते। मुझे आजाद रहना पसंद है रुचु। अच्छा तो फिर जो अब कभी ना कभी तो भविष्य में तुम्हारी शादी होगी ना अमन, तो ये सोच ना अपनी बनाए रखना, जैसे तुम अपने लिए बनाए हो
वही सोच तुम उसके लिए भी बनाना कि जैसे तुम्हें आजाद रहना पसंद है, वैसे वो भी होगी जो आएगी उसको भी आजाद रहना पसंद होता है। तो उसको तुम ये मत करना कि नहीं तुम घर में रहो, तुम यहाँ नहीं जा सकती और नहीं जा सकती, ये नहीं खा सकती वो नहीं खा सकती, पता नहीं क्या क्या करते हैं लड़के लोग, बार बार फोन करके पूछती है कब आओगे घर में, कहाँ खा जो खाना खा लिया या नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है। ओहो बड़े एडवांस हो ना तुम। तो नहीं रिच्चू आजकल ऐसा तो नहीं है मैम। कैसा नहीं है, ये जो मैं बोल रही हूँ ये हर जगह है श्रीवास्तव, बट ये ना कि लोग ये चीज़ शो नहीं करते और लड़कियां इसलिए शो नहीं करती कि क्योंकि भाई घर की बात आ जाती है, रिस्पेक्ट वगैरह इज्जत वगैरह ये सारी चीज़ लड़कियों से की जाती है, लड़कों से क्यों नहीं की जाती। मैम तो बोल दूँ, मैं तो बोल दूंगा कि शादी के बाद आपको जॉब करना पसंद है तो कर लो। हाँ वो तो तुम करवाओगे क्योंकि उसकी तो सैलरी आएगी और सैलरी आएगी तो घर का खर्चा मेंटेन रहेगा, उसके लिए कौन मना करता है। आजकल तो हर लड़का यही सोचता है कि जॉब करने वाली लड़की हो, है ना, गर्ल्स को रोक टोक वाली बात। अरे रिक्वेस्ट आ गई क्या किसको, तुम्हें भी आ गई रोक टोक होती है अमन, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके अपने घर में नहीं होती है, ससुराल में होती है, लड़की के घर में होती है, बहुत कम है जो नहीं होती। देखो मेरा भाई आ गया, राधे 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 राधे, कैसे हो, खुश रहो, तुमको भी बोलूंगी। यहाँ आफत हो रही है, रोना पीटना चिल्लाना किसको, शिव कर रहा है क्या। मैं मना कर रहा था, करा तो तब मैं फंसूंगा, माना मना मना किया तो तभी, मैं मना करूं तो भी फंसूंगा, नहीं मना किया तो भी फंसूंगा, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा अरे बच्चा, हाँ हाँ कहाँ, हाय मोनू, प्राही घटेज, आप लोग का नाम कैसा है, प्राही प्राही बोलूंगी, हाय हाय प्राही। देखो मैं सारे लेके बैठी हुई थी, अब मैं इसको समेटने समेट रही हूँ। हाय प्राही, वेलकम माय लाइफ, लाइक कर देना प्लीज, हिट द लाइक बटन, एंड मोनू कहाँ गए, तुम भी कर देना लाइक। शादी से पहले मैं जहर खा लूंगा सच्ची में, ठीक है तुम खा लेना जहर अमन, अब तुम इतना बोल रहे हो तो तुम खा ही लेना। आ गए क्या तुम घर, अभी खा लो हाँ तुरंत खाओ, देखो अमन सब कह रहे हैं तुरंत खा लो, तुम आज तुम खा ही लो जहर, इतने टाइम से मैं पिछले साल से कह रहे हो जहर खा लूंगा जहर खा लूंगा, तुम अभी तक खाए नहीं, तुम आज खा ही लो। चूंकि स्मेल बहुत अच्छी लगती है। अच्छा मेरा भाई आ गया है अमन, अपनी रुचि का भाई है ऊपर, रुचि एक काली माता है, देखो मेरे को काली माता बना दिया, अभी दुर्गा जी बनाया तुम्हारी रुचि का। तो क्या हुआ मनी, अभी तुम भाग जाओगे अमन, जैसे एक बार भाग गए थे ना वैसे आज भी भाग जाओगे, पटक के मारे डॉन है मनी, एक लक्ष्मी माता है, लो तुम्हें वो कर रहा है मनीषा, शांत कर रहा है, लक्ष्मी माता हो तुम, डॉन नहीं है राजा भैया है वो। माता ही रहे हम तो अच्छा है, हाँ
भगवान क्या है बोल रहा है ये, चुप खुद एक लेडी डॉन। हाँ अब तुम आप घर आओ, मैं तुमको बताती हूँ फिर अवन, अपने बच्चों को ना तुम्हारे पास भेज दूंगी, तुमको सही कर देंगे वो। मोनू हो कि गए तुम, आ गए क्या ऑफिस से? मनी माता की जय। हाय मनीषा परने, माय पैशन माय वर्ल्ड, बच्चों के नए मामा। नहीं, आई गॉट यू। हाय माय पैशन, कनेक्ट कर लो। मनी में किसी का भाई नहीं हो। भाई किसने बोला अमन, वो तो मामा कह रही है ना, भाई थोड़ी बोल रही है। हाउ डिड यू गेट मी पहचान? मनी गंदी बच्ची है। अच्छा तो तुम क्या हो? अमन रुक चुके हो। मनीषा पढ़ने, होप वी विल गेट कनेक्टेड। मैं किसी का मामा नहीं हूं मनी। वही मनीषा जी को कुछ ना बोलो, पैशन श्योर। मनीषा पढ़ने थैंक यू। मोनू मेरा भी भाई है अमन। अमन देख लो, मोनू मेरा भी भाई है अमन, समझे? अभी तुम सच में भाग जाओगे अमन। फुल वर्ड यूज मत करो माय पैशन। हे भगवान, तुम आजकल क्या कोई महाभारत या रामायण वगैरह आ रहा है क्या सीरियल? बच्चू की स्माइल बिल्कुल पार्वती मत है। क्या बोल रहा है ये? मनी की स्माइल उच्च से अच्छी नहीं है। चलो आती हूँ। रुचि की स्माइल दुनिया की बेस्ट स्माइल है। हे भगवान, अब तुम लिखते जाओ, मैं पढ़ूंगी नहीं। अमन तुम लिखते जाओ। कहाँ जा रही हो मनी? रोने लग गया फिर, मेरी ये बाढ़ ला देगा मेरी लाइफ में। मनी डर गई क्या? अब तुम सुन के ही जाओगे अमन, लग रहा है कुछ मनी से। पेटीएम में जॉब करने लगे हो तो एकदम है, एकदम खुल गए हो, कुछ भी बोल रहे हो हैं। मोनू खाना खाए? आ गए क्या तुम ऑफिस से? कल तो छुट्टी होगी तुम्हारी, इधर आ जाओ घर। सॉरी आपको बुरा लगा हो तो रुचू। नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन अरे सॉरी मत बोलो अमन, लेकिन मतलब एक लिमिट तक ही बात करो ना, ऐसे नहीं बोलो। फिर सॉरी भी बोलते हो फिर रोना भी शुरू कर देते हो तुम, बच्चों की तरह। चला गया लग रहा है। गो गेट, मेरा बेटा बोलता है गो गेट गो गेट गो, ऐसे करेगा। मनी शर्माते हुए अच्छी लगती है। मनी एक अच्छी बच्ची है। नहीं वो उस कुछ काम आ गया इसलिए वो चली गई, अभी आएगी तब तुम्हें सही करेगी वो। लिख लो तुम, वो पूरा मैसेज पढ़ लेगी तुमने क्या क्या बोला है।
मनी बच्ची नहीं, एक बच्चे की। मनी बच्ची नहीं, एक बच्चे की माँ की मम्मी है। बच्चू खाने में क्या बनाया है? मैंने खाने में बनाया है कटहल की सब्जी। ओहो, मनी का छोटा भाई है कटहल। हाँ कटहल बनाया, उसका बेबी जो है वो उसका छोटा भाई है। बोल क्या रहा है देखो, मनी 10 ईयर की बेबी है और उसका जो बेटा है उसका छोटा भाई है कटहल। हाँ कटहल बनाया मैंने आज। मनी एक अभी एक छोटी बच्ची है। नहीं, ऐसे ही बोलता है मोनू, ये ऐसे ही बोलता है, सबको बोलता है। जितने मतलब वाईटी में जितने लोग हैं ना, सब इसको जानते हैं और सबको पता है कि ये कैसे क्या बोलता है। ये ऐसे बोलता है, ये सबको बोलता है, सिर्फ मुझे और उसको ही नहीं, सबको बोलता है, सबको पता है, इसलिए कोई इसको बोलता नहीं कुछ। आज मम्मी से बात हुई, मम्मी बता रही तुमने कुछ भेजा है, कौन सा है? ओके हाँ, मनी खुद एक गुड़िया है। देखो फिर वो ऐसे ही बोलता रहे, वो भी कोई न्यू आ जाएगा ना तो उसको भी ऐसे ही बोलेगा, सब जानते हैं इसलिए कोई बुरा नहीं मानता। कौन सा है, पापा वाला या दूसरा? मैंने भी फोन चेंज कर लिया ना, मैं इनके लिए मैंने मंगाया था और इनका फोन खराब हो गया था, तो मैंने कहा कि तुम मेरा ले लो और मैं तुम्हारा ले लेती हूँ। नहीं, फिर कौन सा है, सैमसंग का है दूसरा? अच्छा कल छुट्टी है तो घर आ जाओ। ओप्पो 5 F7 Pro। अच्छा अभी नो फ्रेंड मी, वो फ्रेंड नहीं बनाता है अमन, उसके फ्रेंड बहुत हैं, उसको YT के फ्रेंड नहीं चाहिए, उसको यूट्यूब भी पसंद नहीं है ज़्यादा, वो बस कभी कभार आ जाता है जब मुझे देखता है लाइव में, तब वो भी उसको फ्री होता है तब आता है। बच्चों मुझे पसंद नहीं है कटहल। अच्छा मुझे तो पसंद है कटहल, अमन अच्छी लगती है कटहल की सब्जी, अचार वगैरह सब। ओप्पो F7 Pro तो तुमने देखा, मतलब उसका कैसा है, बैकअप वगैरह, बैटरी अच्छी हो, क्योंकि मम्मी को तो मेन वही चाहिए होता है ना। ये क्या है कार, ऑनलाइन लिया है क्या, सीधे डायरेक्ट भेजा है या फिर मतलब घर से उसको लेकर के फिर भेजा? जिसने मुझे रिक्वेस्ट की थी वो स्टार्टिंग में आई, फिर उसने दोबारा जाकर के मैसेज किया कि आप आइए लाइव पे, और मैं उस समय मेरे गेस्ट आ गए थे तो वो स्टार्टिंग में ही आई, उसके बाद चली गई। अच्छा फ्लिपकार्ट से जो, अरे क्या बोल रहे हो अमन, समझ में नहीं आ रहा मुझे, फ्लिपकार्ट से। अच्छा तो फिर डायरेक्ट भेजा होगा ना, पहुंच ही गए, 1 वीक तो लगता है इतनी दूर जाने, वहां जल्दी वो नहीं होता। फ्लिपकार्ट से भेजा, कितने का लिया भाई? कैसा फोन है भाई? मैं तो MI 7 Pro लूंगा। अच्छा हाँ, इस टाइम तो बहुत सारे आ रखे हैं ना, अभी मैं इन्होंने लिया 5,
GB या 4G सिम है, 5G या 4G सिम है। अच्छा, फिर मुझे 0 दिखा रहा है। चलो अब मैं थोड़ा उधर कर देती हूँ, तुमने बैक में देखो। फिर 1 आ गया। प्राही, हाय दी, हाय प्राही, आप आए थे फिर चली गई, चली गई प्राही। अच्छा रूम है, रुचू। थैंक यू अमन। हाँ रूम तो अच्छा है अमन, यहाँ पे वहां से अच्छा है जहां मैं पहले थी। ही प्राही, हाँ काम था थोड़ा। अच्छा तो हो गया काम आपका। दी एक रिक्वेस्ट है, करोगी अभी? बोलो। आपके सामने आपका रूम भी फीका लगता है रुचु। अरे अमन तुम तो कुछ भी बोलते हो सच में। करने लायक होगा तो करूंगी प्राही। और मेरे पास वो मटेरियल होगा, अवेलेबल होगा सामान, तब करूंगी। ठीक है, लेकिन बट बोलो क्या तुम्हारी। अच्छा सच में रुचु आपके सामने सभी दुनिया फीकी लगती है, हे भगवान। अच्छा ठीक है, तुम डेली आया करो मेरी लाइफ में, ठीक है? तब मुझे, तब मैं मानूंगी कि हाँ मेरे सामने सब दुनिया फीकी लगती है। आपके पति कितने किस्मत वाले हैं रिच्छू, उन्हें आप जैसी फरी मिली। अच्छा मुंह बांध कर कमेंट रीड करो अभी। मुंह बांध कर मतलब फेस कवर करके, फेस भी दिखा दो ना रुचू। फेस दिखा दूं? अभी तो इतनी देर तक फेस दिखा रही थी ना। फेस कवर करके कह रही हो प्राई? कपड़ा नहीं, ओनली मुंह बांध के बोलना पड़े ऐसा। आपको इतना भी, आपको जितना भी आपका फेस देख लूं उतना ही कम है रिच्चू। अच्छा, 1 मिनट। मुंह ओनली नहीं, ओनली मुंह बांध के बोलना पड़े ऐसा। अच्छा फेस दिखाओ ना, दो दिखा दिया फेस। प्राही एक अच्छी बच्ची है। प्राही तुम बच्ची हो कि बच्चा, ये भी बता दो। मुंह बांध की सिर्फ सिर्फ यहाँ पे बनाओ करो ना। अच्छा, देखती हूँ मैं।
1 मिनट, बच्ची। अच्छा बच्ची हो, गुस्सा हो नहीं तो मैं अपना, मैंने स्टार्टिंग में पूछा था ना कि आप क्या हो, लड़का हो या लड़की बता दो भाई, पता नहीं चलता ना ऐसे, भाई के सामने सभी लड़कियां फीकी लगती है। देखो तुम गुस्सा हो नहीं, तुम्हारी तारीफ कर दिया उसने अमन ने, बताना कैसे। ठीक है, ऐसे कह रही हो राही, गुस्से में बिल्कुल परी लग रही हो, ऐसे कह रही हो, जल्दी बताओ, क्योंकि मैंने अभी इसको बांधा नहीं है। कैसे बोलूँ ऐसे सही कह रहे हो, मुझे भी लग रहा था रुचिल को डॉन लग रही है, बच्चे डर जाएंगे रुचिल को देख के। नहीं, मैंने डोर बंद कर रखा है, मैं उनके सामने सब नहीं करती। मैं डर गया था अभी रुचु आपको देखते ही बोल ना पाए वैसा। अच्छा तो आप कह रहे हो माउथ के अंदर कपड़ा करके उसके बाद वो तो वो हो गया ना गैग। अरे चिल्लाओ नहीं अमन, चिंता मत करो, मैं वैसा नहीं करूंगी। नहीं प्राही, वैसे तो मैं अभी नहीं करूंगी, आपको कवर फेस देखना हो तो वो मैं कर सकती हूँ और ये सब भी, बट आप जो कह रहे हो ना वो गैग वाला, वो मुंह के अंदर वैसे नहीं, लाइफ फिट तो नहीं, मेरी वीडियो बैन हो जाएगी पता है, इस पे वो गाइडलाइंस आ जाएगी YT की, तो वो मैं लाइफ में नहीं कर सकती। फेस कवर करके कर सकती हूँ, बट आप जो ऐसे बोल रहे हो ना, बोल ना पाए तो फिर वही हुआ ना, कपड़ा मुंह के अंदर ठूस के डाल के उसके बाद ऊपर से, तो फिर उसमें बोल नहीं पाएंगे। लेकिन ये एज अ क्रिमिनल पे आता है ना, तो मेरे इसको लाइफ को बैन कर दिया जाएगा, ऐसी चीज लाइफ में नहीं करना चाहिए रुचु। हाँ मैं वही, इसलिए मैं कर भी नहीं रही हूँ, मैंने बोला ना कि फेस कवरिंग का ये गलत बात। अरे मैं नहीं कर रही हूँ अमन, चिंता मत करो, मैं नहीं कर रही हूँ। इसने बोला ना ऐसे कि बोल ना पाए, तो उसका मतलब यही है कि गैग वो मैं नहीं कर रही हूँ कि मुंह के अंदर डाल के, तो वो मैं नहीं कर सकती, मेरी लाइफ भी बैन हो जाएगी, मैं 3 महीने तक फिर मैं कोई लाइफ नहीं कर पाऊंगी। सॉरी, फेस कवर करके होगा तो मैं कर लूंगी, बट वैसे नहीं, और ये अच्छा भी नहीं लगता है। तुम डर गए अमन, ही भगवान, तब फिर तुमने तो मेरी पूरी वीडियो देखी नहीं, तो मेरी वीडियो देखना, मैंने 2-3 वीडियो से ऐसे ही डाली है फेस कवर करके, उसमें तो तुम पक्का डर जाओगे फिर। आपको क्या करना है प्राही? प्राही ये तो बॉयस को सिखाना हो गया कि कैसे गर्ल्स को करना चाहिए, ये गलत बात है। प्राही ये तो बॉयस को सिखाना हो गया, प्राही ये तो बॉयस को सिखाना हो गया कि कैसे गर्ल्स को करना चाहिए। ओके ये गलत बात है। देखना अमन 1 मिनट,
मैम रिक्वेस्ट कर दो अब तो। अच्छा गाने वाला, मेरा गला खराब है। अच्छा एक मिनट रुकना। आवाज आ रही थी ना उसकी कार्टून की, इसलिए मैंने वो किया था। अभी मोनू मामा भी आया था पता है, लाइव में, लाइव में आया था मोनू मामा भी। राही आप लड़की नहीं हो, क्योंकि कोई भी लड़की ऐसा नहीं बोलेगी लाइव में। वहां नहीं करो, नहीं मैं अब बंद नहीं करूंगी। साउंड थोड़ा वो कर दो, धीरे कर दो वहां पे कार्टून का, नहीं तो इसमें आएगा ना। क्या हुआ रुचु? कुछ नहीं, वो मैंने डोर बंद कर रखा था ना उधर, तो अभी मैंने ओपन कर दिया। बच्चे उधर बोल रहे थे ना, वो उसको पता है बड़े वाले बेटे को कि दोनों को कि मैं लाइव कर रही हूँ, तो वही पूछ रहा था, पूछने आया था कि लाइव खत्म हो गई। हमने कहा बस थोड़ी देर और, 5 मिनट और। प्राही चली गई लग रहा है, पर तीसरा कौन है? प्राही फेक है। अच्छा हाँ, इसने ना पूरा बोला नहीं, वही तो मैंने उस पे वो नहीं किया ना, जब उसने बोला कि कपड़ा मुंह वो करके। वैसे तो कवर करके तो ठीक है, आप बोल लो ठीक है, या फिर फेस कवर कर दो नोज से, बट वो वैसे मैं लाइव में कैसे कर सकती हूँ? अच्छा भी नहीं लगता, और फिर ये चीज़ गलत है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये अभी किसी को कम्युनिटी गाइडलाइंस की तरफ से स्ट्राइक आया है ऐसा करने पे, और आप लोग की रिक्वेस्ट करते करते पता चला हमारा YT चैनल ही बंद हो जाए। प्राय फेक है। अच्छा वो बॉयस को सिखाना हो गया है कि कैसे मुंह बंद कर दिया जाए। अच्छा सही कहा तूने। ओके बड़ी बात बोली तुमने, मेरे को अमन ये नहीं मालूम था मुझे ऐसा। गलत है मैम ये सब। हाँ अमन मुझे ऐसे बॉयज़ पसंद नहीं है। अच्छा पता है वो सही है, एक बॉयज़ लड़का ही एक लड़के की चीज़ें जान सकता है, ये तो सही है, उनको पता चल जाता है, पता रहता है। बट मैंने इस तरह नहीं सोचा था, तुमने अभी जो बोला ना कि बॉयज़ को सिखाना हो गया, कि मुझे लगा ऐसा फ़न के लिए है ये, बट ये तो गलत है फिर। मुझे गुस्सा आता है जो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता है। और ये लोग ऐसे करके फिर सामने वाले का मजाक उड़ाते हैं, और इस वैसे बढ़ावा भी है एक तरह से, हम लोग को ये सब नहीं करना चाहिए। तो चुप, किसी की बात नहीं माननी चाहिए। हाँ ये सही कह रहे हो अमन, मतलब फेस कवरिंग का तो चलो ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या ठंड होती है, पोल्यूशन और डस्ट के लिए लोग अपना फेस कवर कर लेते हैं, बॉयज़ भी गर्ल्स भी, वो तो ठीक है, बट इस तरह से तो फिर ये गलत है। सोच के बात मना करो रुचु, सोच के बात मना करो रुचु। अरे नहीं मैंने, पता है सच में इस ये जो तुमने बोला ना अभी, ये चीज़ मैंने सोचा ही नहीं। चलो अब थैंक गॉड, अभी तो मैं सोच रही थी पता है इस और ऐसी वीडियो बनाने की फेस कवर करके, खैर ये वाली नहीं, लेकिन अच्छा हुआ। और पता है अभी तो कितनी सारी आई हुई है रिक्वेस्ट के, सर्जिकल मास्क और
पता नहीं क्या क्या, मैंने कहा अभी सर्जिकल मास्क और ये सब चीज थोड़ी मैं करूंगी, सोचो ना रुचि। हाँ नहीं तुमने सही कहा अमन, एक तरीके से तो वही हो गया ना, उनको ये सारी चीजें हम खुद बता रहे हैं, और अभी भी कुछ हैं लेडीज वो ये सब कर रही हैं, और उन्होंने ये बोला कि ये सब फन के लिए है, बट ये फन के लिए नहीं है, ये तो हम उनको बढ़ावा ही दे रहे हैं। ये तो मैं बोल रहा था रुचु। हाँ थैंक यू अमन, तुमने बिल्कुल सही बोला, मेरा कमेंट्स रीड प्लीज। मैंने रीड किया है श्रीवास्तव तुम्हारा कमेंट, तुमने बोला ना गलत है मैम ये सब, तो हाँ गलत तो है, इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अभी बॉयज ही होते, देखो फेक पता नहीं चलता ना कि आप मतलब बॉयज है कि गर्ल्स है, क्योंकि अधिकतर बॉयज जो बिना डीपी के आते हैं वो लड़कियों का नाम यूज करके, वो तो हमें पता ही रहता है कि वो है। आपसे सीखेंगे और लड़कियों पे बड़ी पड़ता है। आपसे सीखेंगे और लड़कियों पे भारी पड़ता है। नहीं सही कह रहे हो अमन, इसके लिए तो मुझे फिर वीडियो बनानी चाहिए। ये चीज सही बोला तुमने, एक पॉइंट दिया, अच्छा बिल्कुल सही कहा अमन। और हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि फन के लिए है और रिक्वेस्टेड वीडियो है, बट ये कहीं ना कहीं तो गलत है ना, ये सारी चीजें हम लोग खुद ही ये चीज उनको बता रहे हैं, और वो लोग मतलब मजे भी ले रहे हैं, और इस तरीके से तो ये एक एज अ क्राइम हो गया, क्योंकि अभी ये कितने लोग ना ये गैग टॉक वगैरह कर रहे हैं, तो इसको जब सर्च में करो ना गैग टॉक वीडियो, तो ये क्रिमिनल उसमें आ रहा है, क्रिमिनल में लिख के आ रहा है। और इस तरीके से तो फिर ये तो बेकार है, फिर अगर वाइटी फिर पता स्ट्रिक्ट हो गया या फिर बहुत कुछ भी वो कर सकते हैं ना, किसी को तो अभी उसने वो भी स्ट्राइक दे दी है वाइटी ने। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, बस लड़कियों की गलत बोली वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो तो है ही अमन, अब ये सारी चीजें तो ऐसी है ना कि होता है ना, जैसे कि होना ही नहीं चाहिए लड़कियों के अंदर ये सारी चीजें, और कोई लड़की इस तरीके से करती है तो मुझे मतलब सच में ये चीज जो तुमने बोली ना कि वो वाली बात की ये तो सिखाना हो गया, ये इस तरह से मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, मेरे माइंड में नहीं आया ये चीज कि हाँ ये भी हो सकता है। सीधे गोली मार दूँ क्या, वो इधर लाओ इधर लाओ। अपने फोटो तो नहीं की, दिखाओ पहले, नहीं की शुशु आपको वो हो गया है, ये देखो ले ले छल्ले माली भाई। मैं सोचता था हूँ क्या लड़कियों के लिए सही है और क्या गलत। हाँ ये बिल्कुल सही है, पता है मैं सच में मेरे बिल्कुल ये इस लेवल पे मैंने वो चीज सोची ही नहीं कि हाँ ऐसा भी होता है मतलब इस वजह से। और रुचि बिल्कुल आप पे गया है आपका छोटा भाई, नहीं अमन हाँ तुम्हारे लिए तो भाई है पर मेरा बेटा है ये। हाँ बिल्कुल मेरे पे गया है, सच कह रहे हो, पर आदतें मेरे पे नहीं गई है, बस शक्ल मेरे पे गई है इसकी, बहुत बदमाश है बट ये हाय करो, कर दो मामा है मोनू मामा, हाय करो कर दो ना कर दो मेरा बच्चा, ये गलत मुझे आपका छोटा भाई लगता है। अच्छा क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे बाबू नहीं हो मेरे भाई हो, है गलत है ना, है कि नहीं बता।
शक्ल दिख रही है तुमको अपनी? कैसे फेस बनाती हो बताओ? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या कर रहे हो भाई? मैम मेरा कमेंट्स आ नहीं रहा है क्या? तुम्हारा एक ही काम मुझे मिला है अमन, मेरा कमेंट्स रीड प्लीज। तो ऊपर जो तुमने लिखा था ना कि ये गलत है, वही मुझे मिला। उसके बाद कोई और कमेंट मुझे नहीं मिला। अभी मिल रहा है ये वाला, मैम मेरा कमेंट्स आ नहीं रहा है क्या? क्यूट बेबी, थैंक यू अमन। बस ये हो सकता तो नाइट बॉट जो है ना वो अब जैसे मैं लाइव आती हूँ ना तो वो अपने आप से आ जाता है इस पे लाइव पे, तो जो वैसे कमेंट्स होते हैं ना उनको डिलीट कर देता है। क्या बोला फोन में बेटा? हाय कर दो, सब तुमको देख रहे हैं। गो कह रहा है, गो। आपकी मम्मी बोल रही थी कि रुचू छोटे भी बदमाशी करती थी। हाँ ये तो सही कह रहे हो, मैं बहुत बदमाशी करती थी, अभी भी करती हूँ। मैं सबको परेशान करती हूँ जब वैसे, मतलब वैसी बदमाशी नहीं करती, छोटे में तो छोटी करती थी। अभी तो मैं जो परेशान करता है ना, मतलब जैसे यहाँ पे नहीं, घर जाती हूँ अपने, तो वहां पे कुछ आंटियां वगैरह हैं नहीं तो उन लोगों को करती हूँ, अभी भी बदमाश हो रुचू। अरे ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? सही से रहो, ये गीला हो गया, जाओ डायपर लेके आओ, जाओ चलो, खड़े हो खड़े हो, खड़े मैं उतारू, खड़ो। रुचू एक आंटी है। हाँ बच्चों के लिए तो मैं आंटी ही हूँ बेटा। पूरा गीला हो गया ये, थक गया। चलो वापिस लेके आओ, लेके आओ भैया से, लेके आओ, जाओ वहां पे रखो डस्टबिन के पास। अंदर मत डालना, डस्टबिन के किनारे रख दो, ठीक है? और भाई से लेके आना वो। हाँ अरे अब मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी नहीं करूंगी, सिर्फ तो तुमने मुझे आंटी बोल दिया, बच्चों को सब आंटी बोलो, तुम दोनों अमन अमन इसलिए बोल दिया ना, ठीक है? अब मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी नहीं करूंगी, जाओ। आज से मैं आपको आंटी बोलूंगा, ठीक है? बोलना, मैं आऊंगी नहीं लाइफ पे। क्या बोलोगे तुम? मेरी वीडियो पे आओगे, मैं वहां तुमको ब्लॉक कर दूंगी। मैं भी ठीक है, कोई नहीं, बोलना, तुम लोग बच्चे ही हो ना, दो दो साल के बच्चे हो तो फिर आंटी तो बोलोगे। हाँ मैं सोची थी 10 बजे तक मैं बेड पर चली जाऊंगी सोने के लिए, ये गलत बात है, आगे मैं पढ़ूंगी नहीं। क्यों गलत बात है? कहाँ से लगती मैं तुमको, बता जरा। सुनिए अनि आन, अच्छा आंटी सही कहा, अच्छा बाबू यहाँ नहीं, वहां रख। क्या अर्नाव, एक इसका डायपर देना, एक इसका, क्या मतलब इसका डायपर दे दो आंटी, आपके दो दो। हाँ बिल्कुल रुचू सो रहो, चलो ठीक है बढ़िया। अब मैं तुम दोनों के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, चिंता मत करो, वो वीडियो मेरी वायरल हो जाएगी, देखना। हाँ कौन सी वीडियो? जो बनाओगी ना देखना फिर। चलो पहनो इसको, पहनो, रुको 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 रुको, मैं इसको इधर किनारे कर दूँ। बेटा बेटा ये यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, मैं पहना दूँ इसको।
आगे करो, आगे करो, पैर आगे करो, गंदी बात ऐसे नहीं करो। तनाव, ये बेटा। हाँ अब मैं जा रही हूँ, कब बनाओ वीडियो? बस आज ही रात में बनाऊंगी, देखना। मैं जरूर देखूंगा आपकी वीडियो, ठीक है। मम्मी जब आप गेट बंद के लाइव कर रही थी तभी तनोने पूरा ये सब जो स्लीपर सैंडल और शूज फैला दिया। हाँ फैला दिया था, लेकिन जब आपने गेट खोला वाह अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटा, थैंक यू। हाँ तुम जरूर देखना अमन, कितने बजे? अरे कितने बजे क्या, मैं आ जाऊं साफ करने? क्या साफ करने? बेटा हाँ चलो मैं दे रही, चलो 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 उधर चलो, मैं चल आ रही। अच्छा अच्छा नहीं मेरा रूम साफ करने की जरूरत नहीं है दादाजी, क्योंकि मैं अपना रूम खुद ही साफ करती हूँ दादाजी। मैं अब आपकी हर वीडियो में, अच्छा अब तुम बोलना तुम अमन, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी पक्का, मैं झूठ नहीं बोलती, तुम्हें पता है अच्छे से। जिस वीडियो में तुमने बोल दिया ना तो मैं उस वो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी, अब ब्लॉक करूंगी साथ ही साथ रिपोर्ट भी कर दूंगी YT में। मैम नेक्स्ट टाइम में गाना सुना देना। अच्छा गाना गाना, अच्छा मैं वीडियो ही में गाना सुना दूंगी, ठीक है आप वो वीडियो देख लेना। मैं कह दूंगी भाई किसी ने रिक्वेस्ट की है गाना गाने की, तो मैं कह दूँ पक्का मैं उस दिन जहर खा लूँगा। खा लो तुम जहर, मैं कर लूँगी पक्का, देखना मैं न्यू ID बना लूँगा। तो भी तो आओगे तो पता ही चल जाएगा मुझे न्यू ID से भी। वाला गाना भी चला ना, कौन सा लंबरगिनी वाला, हाय दी हाय। देखो यार ये क्या बोल रहा है मेरे को, ये दोनों मिलके मेरे को परेशान कर रहे हैं। मैं न्यू न्यूम से आऊंगा, देखो इसको सही करो थोड़ा कुछ भी। अब फ्री हुई फाइनली, अच्छा। अरे पता मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी, वो अभी ना चलो अभी थोड़ी देर बाद मैं मैसेज कर या कल मैं दिन में फोन करूंगी तब बताती हूँ, ठीक है। बेबी को सुला रही है, अच्छा मैं तुम्हारे कोई मैसेज रीड ही नहीं करूंगी अमन, जा बेटा बेटा। क्या 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 हाँ कौन सी बात अभी बताऊंगी, मतलब कल फोन करूंगी या फिर उसमें बताऊंगी, अभी यहाँ पे नहीं। बेटा 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 चलो चलो यहाँ से हटा दूँ, कबड में रख दूँ इसको, कबड में रख दूँ। किसके बारे में है? बेटा क्या ठीक है, क्या ठीक है चू एक, देखो यही बात ये बता रहा है तुम्हें अमन, मैं पढ़ूंगी नहीं, इसको ब्लॉक कर दो। अमन को मेरी लाइफ में आएगा ही नहीं, तुम्हें टाइम आउट करवा देती हूँ मैं। अमन बेटा इसको रख दो, मैं एक मिनट अमन में रख दो। और आपने क्या फ्लैश ब्लॉक उठाओ,
ब्लॉक उठाओ, उठाओ जल्दी ब्लॉक, उठाओ सारे ब्लॉक फैला के रखे हुए, उठाओ मैं सारे खिलौने तुम लोग के हटा दूंगी। देखो क्या, हाँ मैं दे दी, चलो 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 चलो, अमन करूं ब्लॉक मनी, थैंक्स मनी मुझे ब्लॉक करने के लिए, कर दो मनी, देरी बेटा देरी। सच में कटहल देख के तो भूख लग गई बेटा, बेटा एक मिनट, बेटा अभी कहाँ किया, बेटा कर दो ना मनी, कर ही दो इसको, भगाओ इसको, देखना मैं तुम दोनों अमन के ऊपर कल बनाऊंगी वीडियो, देखना बेटा बच्चा, चलो चलो सही में, हाँ सच में देखो मैं बना दूंगी पक्का, कह दूंगी मैं लाइव कर रही थी, ये दोनों दोनों जो हैं तुम लोग का नाम ले लूंगी, कह दूंगी मुझे आके ऐसे ऐसे बोले थे, बताओ ऐसे कोई बोलता है, अन्ना इधर आ जाओ बेटा, वो इधर टीवी की आवाज आएगी ना, बैठो, क्यों रो रहा, अरे इसी रोता है और क्या कहा, लो लो ना, अरे लो अरे क्या हुआ, लो ना, लो लो ये पागल हो गया अमन लग रहा है, लो मम्मा खाएगी, आप नहीं खाओगे तो क्यों रो रहे थे, अच्छा चलो वो ठीक है बेटा, लेकिन मैं तुम लोग की नहीं हूँ ना, तुम मेरे से बहुत छोटे नहीं हो तुम दोनों, कि तुम दोनों मुझे बोलोगे, नहीं बस इसको खिला रही हूँ बाबू को, ये लो इसको, रोटी नहीं खानी सिर्फ कटहल खाएगा ये, अर्णव मैं छोटा हूँ, कितने छोटे हो भाई, छोटे बच्चे समझ लो, छोटे बच्चे किसको छोटा बच्चा, मम्मा आप मुझे जो ये कौन सी सब्जी है, कटहल की बाबू, हाँ कटहल की, कटहल मुझे मत खिलाना सिर्फ आलू, आलू नहीं डलता ना कटहल में बेटू, तो मैं क्या डालता सिर्फ, अरे कटहल की सब्जी बनती है बेटा, मैं कटहल नहीं खिलाऊंगी, चलो ठीक है, क्या हुआ, हाँ मुझे सच में गुस्सा आ रहा है, थोड़े टाइम तक मजाक ठीक लगता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं अच्छा लगता है,
लो ना, फिर तो माशा की कहानियां सुनना स्टार्ट कर दिए। ये क्या है तना? मम्मी ये बाइट आप खा लो। ये पकवान मेरे बच्चों को कटल पसंद नहीं है। एक को सिर्फ कटल खाना है, एक को कटल खाना ही नहीं है। क्या है यार? क्या बोल रहा है? ये लो। क्या खाना है आपको? क्या खाना है बताओ? क्या खाना है? ये क्या होता है? सिर्फ रोटी खानी है, सिर्फ रोटी खानी है। लो ये भगवान, ये लो। देख खाना अच्छा होता है, टेस्टी होता है, सब सब्जी खानी चाहिए। गंदी बात है ये, गलत बात कर रहे हो आप। जल्दी लो, एक बार खा कर देखो। अच्छा होगा तो खा लूंगा। खिलाओ, टेस्टी होता है बेटा, हर सब्जी खानी चाहिए। अरे अच्छा अच्छा, चलो मैं भूल गई, मैं भूल गई सॉरी बेटू। ये लो पकड़ो, उसको कटल खाना ही नहीं, छोटे वाले को, दोनों को नहीं खाना है। मुझे एक ही बार खाना है, इतनी बार नहीं। नहीं, जो सब्जी पसंद है वही खानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है अमन। हर सब्जी खानी चाहिए, हर सब्जी में अपना विटामिन मिनरल जो भी होता है ना, सब अलग होता है। और हर सब्जी, ये सारी जो सीजन की सब्जियां होती है ना, उसको तो ज़रूर खाना चाहिए। इसीलिए तुम रात में 3 बजे खाना खाते हो, क्योंकि तुम्हें सब्जी पसंद नहीं होती होगी जो मम्मा बनाती होगी, तुम्हारी मम्मी। और रात में 3 बजे तक भाई उनको पता है तो वो सब बंद कर दे, खत्म कर देती होंगी। तो हमें लग रहा है सिर्फ रोटी खाते हो तुम। मम्मी ये दूसरा बाइट आप खा लेना। मेरे घर में आज दाल और राइस बनी है। अच्छा, अच्छे से खाओगे तो अच्छा लगेगा बेटा, टेस्टी होती है कटहल की सब्जी। तीसरा कौन है? अच्छा मनी है। किसने कहा है किसने? अरे दादाजी, पहले अपनी वर्डिंग तो सीख लो अच्छे से, कैसे बोलते हो आप। कहाँ रखूं? सब्जी क्यों नहीं बनी? सब्जी क्यों नहीं बनी मतलब कटहल की सब्जी सब्जी नहीं होती क्या? सब्जी तो है। गुड नाइट मैम, गुड नाइट अमन। कल वीडियो के लिए रेडी रहना अमन, ठीक है श्रीवास्तव? अमन से कह रही हूँ। अच्छा, नहीं 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 बिल्कुल, अब तो पक्का। देखो तुम लोग ने मेरा इतना मजाक उड़ाया, तो उसका कुछ तो बेनिफिट मुझे भी मिलना चाहिए ना। अच्छा हाँ, दाल राइस बोला ना उसने। हाँ, वो सब्जी कहाँ खाता है, तभी तो सुकड़ा सा है। और मजाक नहीं मैम, अरे मैं भी मजाक ही करूंगी अमन, चिंता मत करो। तुम लोग मजाक कर रहे थे ना, तो मैं भी मजाक ही करूंगी। देखो बोला उसने थैंक यू। अब नहीं खाना है? खाना है, लेकिन मुझे सिर्फ इसका रस खिलाओ, जो कटल है। कटल नहीं खाना है? चतुर लोमड़ी, मैं खाती हूँ कटहल। और बताओ, बख्श दो मुझे।
तुम्हें लगती है ना अमन कटहल की सब्जी बेकार, सबको नहीं लगती। मुझे मत बख्शना। हाँ तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। ऐसे कर लो इसको, फिंगर से कर लो ना, वॉश कर लेना। अभी रहने दो, अभी रहने दो। मुझे तो अच्छी लगती है। हाँ अच्छी लगती है। इसका अचार वगैरह का देखो, सिरका वगैरह डाल के बनता है, अच्छा लगता है। कटल नहीं है इसमें, रसा है। मनीषा गई, चलो मैं भी जा रही हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। मुझे वीडियो भी तो बनानी है तुम लोग के लिए, स्पेशल वीडियो है ना अमन, दोनों अमन। नहीं मैं जाऊंगी अब नहीं मैं। आंटी बोलना भारी पड़ गया क्या अमन? अरे सही तो बोला तुमने, आंटी को आंटी तो बोलते हैं, अभी दो बच्चों की माँ हूँ तो आंटी तो हूँ। मैं आपकी वीडियो का वेट करूंगा। हाँ बिल्कुल वेट करना। थैंक्स मनी, यही हूँ बेबी सुलारी। ठीक नहीं तुम सुला लो, चलो मैं भी चलती हूँ। 2 घंटे हो गए, 10 बजे सोने वाली थी, 11 बज गए। मुझे ऐड मत करना। नहीं तुम्हें ऐड नहीं करूंगी मैं, तो बस तुम्हारा नाम लूंगी। हाँ सही कहा, सब आंटी तो हैं, जैसे तुम्हारी मम्मा आंटी हुई ना, तुम्हारी मम्मा भी तो आंटी हैं, इतने बड़े बच्चे की मम्मी हैं तो वो भी आंटी हैं। मैं नहीं बोल रहा अब तो। मम्मी बस ये लाइफ वाइट, उसके बाद नहीं। हाँ वही तो, आंटी ही है। मैं तो कभी कभी अपनी मॉम को आंटी ही बोल देता हूँ। अच्छा अमन बस करो, माउथ वॉश कर लो, फिर मिल्क पी लेना ठीक है, अभी अभी बाद में। हाँ मतलब सोते टाइम। एक मिनट में म्यूट कर रही हूँ ठीक है।
हाँ मैं सच में इसको नहीं छोड़ूंगी। चूको डिसलाइक मैं उससे छोड़ूंगा नहीं मनी। क्या पता किसने दिया क्या। हाँ डिसलाइक दे के गए होंगे ना, वही जो आया था क्या, वो जो फेक था ना मनी। अरे मनी कह रही हूँ, अमन जो परी क्या था, परी क्या नाम था उसका, प्रही करके जो मेरे को बोल रहा था ऐसे वीडियो करने के लिए, तो उसी ने दिया होगा, और भी लोगों ने दिया होगा जो जिनका देखी बस मैंने नहीं की। अमन सुला रही बेबी को, मेरी आंख फड़क रही है वाली। इधर है इधर, ये मेरा बदमाश बच्चा है, बहुत तेज चिल्लाता है। नहीं नहीं तुम उससे तेज हो। नहीं मम्मी वो अपने भाई को सुला रही मनी, एक ही है। मम्मी सोया नहीं अभी तक आपका छोटा भाई मनी, कल किसकी लव में बहुत अच्छा। अब उसके बारे में, अरे अरे वो पता है, अरे वो जो किरण है ना एक, जो अभी 11:30 बजे वो आती है लाइव में, तो हाफ आवर के लिए आती है। जो ये नहीं है अनिष्का का किचन जो है बहुत फेमस है, और एक विलेज कढ़ाई है, तो जो विलेज कढ़ाई है ना उसकी दीदी है वो, सगी बहन है उसकी, और जो अनिष्का का किचन है वो उसकी भाभी है, सगी भाभी है उसकी। तो वो भी अपने वो आती है, उसको ऐसा लग रहा है कुछ टाइम से उस वहां पे है ऐसा कुछ उसकी गली में, और उसको है भी ये चीज पता है बहुत टाइम से। मामा, हाय हाय नरेश जी, मामा, अभी जग रहे हो आप इतनी रात में? अच्छा मामा, हाँ, मामा, मामा, तुम्हें आए अमन रात में उठा ले जाए। अरे मनीषा जी पापा मम्मी, बेटा आप एक टॉय पोर्ट का प्रदीप सर। जी। हाय प्रदीप जी, कैसे हैं आप? मम्मी हाय नरेश जी, आपके टॉय थैंक यू मम्मी मम्मी आंटी। आपके टॉय पोर्ट का सर ऐसे ही टेढ़ा होता है तो उसकी क्या? लाइफ में क्या हुआ? उसकी लाइफ में कुछ नहीं। अरे सब जानती हूँ ना, रात में कैसे भी लोग आ जाते हैं, तो वो कह रहे थे कि अपना रूम दिखाओ, आ गए कुछ कि मैं वो देखता हूँ, हाथ देखता हूँ, और नहीं वास्तु शास्त्र वगैरह जो ये सब करता हूँ, तो अपना रूम दिखाओ। और रूम क्या, सब ऐसे ही देखने के लिए, क्योंकि वो रूम में बैठी थी लाइव कर रही थी अपने, और वो रूम देखने के बहाने क्या इतना समझ में नहीं आता, वो भी पागल रूम दिखा भी रही थी। मैंने कहा तुम पागल हो, अभी आज मेरी से बात हुई फोन पे तो बता रही थी। इसी बहाने मैं आपके घर के बाहर रहूंगा। मेरे घर के बाहर क्यों रहोगे? तुमको उठा के ले जाएगी वो, जहां उसको ले जाना होगा, मेरे घर के बाहर थोड़ी रहोगे, बस आप सोएंगे। अच्छा बढ़िया हूँ जी, आप कैसे? मैं अच्छी हूँ। अच्छा मेरे को आपसे कुछ पूछना था प्रदीप जी, आप जो फेसबुक में भी एक में प्रदीप जैविया जी जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो आप वही हो या कोई और हो? क्योंकि आपका कमेंट जब आया था ना तो बको मुझे लगा बको कि आप बको शायद वही हो। फेसबुक में भी मेरे एक फ्रेंड हैं, तो आप वही हो या कोई और? किरण डायरी करके है चैनल करें। थम्स जी, थैंक यू नरेश जी, बट पता है ये लाइक के वाले सेशन में ना 0 ही है, वो आ ही नहीं रहा है कुछ, और 2-3 बार मैं जब से लाइव कर रही हूँ ना तब से ऐसे दिखा रहा है। तो मैं नहीं करूंगी दादाजी, अमन ज्वाइन में मास्टर ये जी। हाय जी, हाँ जी वही। अच्छा ये अच्छा ठीक है, ओके ये प्रदीप जी, मुझे लगा था कि आप भी हो, क्योंकि आपका भी नेम वही है ना, बस फेसबुक में थोड़ा सा अलग है और यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ओके। कैसे हो आप प्रदीप जी? एंड वो क्या नाम है उनका, आपकी वाइफ कैसी है? हाउ आर यू फैमिली? हाँ जी, रो रहा है अमन। गुड मास्टर जी। हाँ हम इतने बुरे, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे से बात मत करना। देखो हाँ
ब्लू रंग में तुम गुस्सा होते हो, ये तो पर्पल है, पर्पल कलर में तो रेड कलर से पर्पल हो गए तुम, गुस्से में है। एलियन हो क्या तुम अमन? आपने डिनर कर लिया प्रदीप जी? ठीक है, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। हाँ, बंद कर दो, बंद कर दो चैनल। अच्छा है, तुम चैनल बंद कर दोगे ना तो मेरी लाइव में भी नहीं आओगे। पी लिया बेटा आपने? बेटा आपने कॉल ये लिया? ये मेरे को दो, ये दो, एक मिनट दो, ये लो ये लो। बच्चे सो जाओ। अरे अभी नहीं सोने वाले ये सब, इससे इसको पूछो कि तुम सोओगे तुम्हें नींद आई तो कहेगा नहीं। छोटा वाला भी कहता है कि मुझे भी नींद नहीं आई, हम कहते हैं खेलो तो ये लोग रात में खेलते हैं और सुबह लेट हाँ में उठते हैं। अच्छा मम्मी ये भी बता दो। मैं फेसबुक में बिल्कुल भी नहीं आती प्रदीप जी, आ ही नहीं पाती, मुझे टाइम नहीं मिलता इधर, थोड़ा काम वगैरह भी और आवाज नहीं करो बेटा। और यूट्यूब जब से ज्वाइन किया ना तब से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। हाँ मैंने भी कर लिया प्रदीप जी, बस अभी जस्ट किया। डिक्कु, डिक्कु, डिक्कु। अरे लाइट क्यों बंद कर दिया है? लाइट चलाओ। नहीं ये वाली नहीं, चेंज कर उसको, चेंज करो बेटा। तो आपको वाइट वाली ही पसंद है। फिर चेंज करो ये नहीं। मन्ना डे हेलो मैम। अरे आप आ गए मन्ना डे? बस यही मैं भी रात को खेल पाऊंगा। अच्छा अरे तो अपने घर में खेला करो ना अमन। अरे मन्ना डे आप कौन हो? आप मेरे से मतलब वहां पे कमेंट कर रहे थे वेयर आर यू, मतलब आप मतलब ये कैसा कमेंट हुआ वेयर आर यू? अपनी मम्मा के साथ अमन? प्रदीप जी आप हो ही गए। अन्ना वैसे नहीं करो बेटा, डर जाएगा वो। डर तो गया लेकिन हाँ, उसको जला के नहीं, उसको बंद करो लाइट को, वो बंद करो और चेंज करो लाइट ना, ये ऑरेंज चेंज करो लाइट। यही चलेगी। हाँ अब ठीक है, ये रहने दो मैं आती हूँ। ठीक है ठीक है ओके। मम्मी इसको लाल पसंद आ गई। उस रूम में जला दो। नहीं अंधेरे में नहीं खेलो, डर जाएगा फिर, तुम भी डर जाते हो। ये दोनों बच्चों के लिए, वो नहीं खाते, वो तुम्हारा नहीं पसंद उसे उन्हें। ये है, मनी आ रही है अभी, वो अपने बेबी को सुला रही है ना, मेरी आवाज वो हो रही होगी उसके बेबी को, वो भी जल्दी सोता नहीं है रात में ना, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। मैंने लाइव में स्कार्फ रैपिंग ट्यूटोरियल नहीं देखा इसलिए कमेंट किया। अच्छा तो आप मेरी लाइव में भी मैंने किया हुआ है और मेरी वीडियोस भी है इसके ऊपर, तो अन्ना प्लीज बेटा यहाँ चिल्लाओ नहीं, तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है उस पर। आंटी ने मेरा दिल तोड़ दिया है आज। अच्छा तो अब क्या करोगे? हाँ सच में मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया आज तो पक्का। मैं जहर खा रहा हूँ, खा लो बिल्कुल मेरी तरफ से छूट है तुम्हें, सच में खा लो। कौन सा ऐसा जहर खाना कि सीधे मतलब एक ही बार में काम तमाम हो जाए तुम्हारा, ठीक है? मम्मी मैंने इस लाइट यहाँ पर तो लाइट जलाई है लेकिन वहाँ पर लाइट बंद किया है। मैं तहखाने गुफा वाला खेल खेलो। नहीं नहीं ऐसे गुफा वाला खेल गेम नहीं खेलो लेकिन क्योंकि आप भी डर जाते हो वो भी डर जाता है, ऐसे नहीं करो लाइट। अरे नहीं ये लाइट लेके नहीं बेटा, लग जाएगा गिर जाएगी चोट लग जाएगी आपको, और बिल्कुल आवाज नहीं करना चिल्लाना नहीं।
रोलो रोलो। बहुत बदमाश हो। ये बक्को बक्को वाला है। मैं नहीं बोलूं आंटी, अमन कोई दिक्कत नहीं, मैं मजाक कर रही थी वैसे भी। लाइफ का टॉपिक टॉपिक स्कार्फ रैपिंग था, डेट्स वाई बोला। अच्छा, हाँ तो अब लाइफ को काफी बड़ा है ना मन्ना जी, वो लाइव एटलीस्ट वन एंड हाफ आवर का है, तो मैंने उसमें किया है। पर स्टार्टिंग में लोग जैसे आते हैं ना, फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके उस पर मैंने किया था बच्चे से। हाँ घर लगता है, सही कह रहे हो, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आती ना आवाज, बैक में बच्चों की ज्यादा आवाज आती है, और नीचे भी लोग सो रहे हैं, वो इतनी तेज आवाज कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब होगा इसलिए। मम्मी बाबू प्लीज बस मैं ये बात सुन लो, ठीक है कि मम्मी लोग गए और मैं अच्छा, और मेरा ओनर आकर के मुझे निकाल देगा कि आपका बच्चे रात में वो करते हैं, चिल्लाते हैं। मुझे तो अच्छी लगती है बच्चों की आवाज, देखो ये नहीं कह रही कि खराब लगती है, लेकिन एक टाइम, अब देखो टाइम समय समय ज्यादा हो रहा है अभी समय, और सब लोग सो जाते हैं और ये लोग कूदते भागते हैं ना, तो नीचे जो रहते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। किसी ने कहा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई कौन है वो, अरे वो भी वो है उस, उनका नाम वो भी श्रीवास्तव है, उनका नाम क्या है, अभिषेक श्रीवास्तव नाम है उनका। मैम प्लीज अब करो ना, क्या मुझे बोल देना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ तुम्हें क्या बोलूंगी, तुम तो मुझे ही बोलते हो, तुम उसे क्या वो करोगे, दूसरों को क्या करोगे। आप क्या बोल रहे हो मन्ना जी, मन्ना डे, आप बंगाली हो, डे तो बंगाली होती, मेरी फ्रेंड है श्रीवास्तव को। हाँ अच्छा, नहीं वो कुछ ऐसा बोलते नहीं, उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं है, क्योंकि उनकी खुद एक बच्ची है, बट मुझे ऐसा लगता है ऐसा रात में ना, इतनी रात में तो नहीं अच्छा लगता। स्कार्फ रैपिंग ट्यूटोरियल ओके मैं कर दूंगी, बट मैं केवल फेस कवर कर सकती हूँ, मैं फेस कवर करके आपको दिखा सकती हूँ, बट और कुछ नहीं, जो गैग वगैरह वो सब नहीं। अगर आपको फेस कवर का चाहिए तो मैं वो आपको दिखा सकती हूँ। क्या है पोटी। अच्छा ठीक है आंटी, मैं दूर छोड़ के आऊंगा, जंगल ही जंगल, अब जंगल नहीं मिलेंगे तो मैं अमन, सारे जंगल तो सब लोगों ने काट रखे हैं, काट के। आई डोंट लाइक गैग, थैंक यू, किसी ने तो ये बोला आई डोंट लाइक, नहीं तो इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही कि हम लोग भी मतलब ऐसे तो बनाना भी नहीं चाहिए, और हम लोग मतलब खुद बाद में देखते हैं ना तो बहुत खराब लगता है। फेस कवर करके गाना गा दो, तुम तो गाने के पीछे पड़े रहना, मैंने रख दिया। अच्छा एक मिनट, आई डोंट लाइक गैग ऑल्सो, यहाँ चलो। हाँ नहीं तुमने भी बोला था ये चीज, वेट करना मैं लेके आती हूँ साहब, क्यों मैंने सब रख दिया ना, कोई आया नहीं था इसलिए। एक मिनट
फिर मुझे जीरो दिखा रहा है। वैसे तो मैम वो तो नहीं करूँगी बिकॉज ना उसके लिए स्कार्फ आपका बड़ा होना चाहिए और मैंने ये छोटा वाला है स्क्वायर स्कार्फ है एंड ये छोटा वाला है तो वो तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको नॉर्मल ऐसे दिखा सकती हूँ। एक मिनट अवन डरना मत। डर है पहले ही ये मैं कर सकती हूँ। अभी आप जो बोल रहे हो ना नॉट वाला उसके लिए स्कार्फ बड़ा होना चाहिए तो मेरा स्कार्फ छोटा है। बिल्कुल लेडी डॉन लग रही हो। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। इसको लगाने से तो ऐसा फेस कवर और ये मेरा स्कार्फ भी कुछ वैसा ही है ना ब्लैक कलर तो वो मैं अभी नहीं कर सकती मना जी बिकॉज उसके लिए बड़ा स्कार्फ चाहिए नॉट लगाने के लिए और मेरा स्कार्फ जो है वो अभी छोटा है एंड बड़ा स्कार्फ अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है और आपको सिंगल लेयर में चाहिए तो मैं वो कर देती हूँ। हाँ बेटा आप लैपटॉप पे देख लो ना टीवी में मत लेके आओ उसको स्क्रीन पे आप लैपटॉप में देख लो फिर कल देखना स्क्रीन पे वहां पे मम्मा फिर कर देगी। ये सिंगल लेयर है वाइट हैंकी कवर्ड करो फेस पे सिंगल सा होगा बिल्कुल जो ठीक है। थैंक यू अमन। ठीक है मन्ना जी बेटा आप लैपटॉप पे देखो बस अभी अभी नहीं मैं वो करूंगी। मैम पुल इट डाउन थोड़ा और पहले आप आए होते ना तो मैं आपको करके दिखा देती मन्ना जी बट इस अभी तो बहुत लेट हो रहा है एंड मुझे बच्चों को सुलाना भी है अपने तो अमन की रिक्वेस्ट मैं पूरी कर दूं। हाँ 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 माय रिक्वेस्ट मुझे पता है अमन सॉन्ग गाना तो मुश्किल है। ओके तुमको अमन और किसको लूटूंगी तुम ज्यादा मालदार पार्टी हो ना तुम्ही को लूटूंगी। स्कार्फ स्कार्फ से क्या करूं बताओ डाउन होके तो नहीं होगा मैंने ना अभी ये चीज नहीं कर पाऊंगी। देखो
थैंक्स आंटी, आ जाओ, मैं अपने घर का दरवाजा खोल के रखूंगा। मैं भी आपसे लूटने के लिए तैयार हूँ आंटी। नहीं नहीं सॉरी, सॉन्ग तो गा दो मैम। कौन सा सॉन्ग गाऊँ बताओ? मुझे गाने नहीं याद आ रहे। इतनी खूबसूरत डॉन हो तो कौन लूटने के लिए तैयार नहीं होगा। हो। अच्छा, नहीं तो मैं अकेले नहीं आऊंगी ना अमन, मैं अपने हस्बैंड को भी साथ लेके आऊंगी मैम प्लीज। हम तो पहले से ही टूट गया हूँ। क्या लिखते हो अमन? गाना मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं सोचती हूँ कौन सा गाना जो आप पहले गाएंगे। अच्छा, मैं माई लाइक योर बेल। गाना मुझे याद ही नहीं आ रहा है। कोई सॉन्ग अमन? अभी मैं सॉन्ग गाऊंगी भी ना, मेरी पसंद का तो बहुत, लेकिन अब मैं हैंकी कवर करके गाऊंगी ना तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवाज उतनी अच्छी सी नहीं आएगी जैसा वैसे आती है। इसमें तो हैंकी वो हो करके आएगी ना सॉन्ग आवाज, इसलिए। अरे अमन तुम बस कर रहे, तुमको पीटूंगी अभी समझे। ओके, थैंक यू थैंक यू। हंसना मत, ठीक है? मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है, बहुत स्लो है। पीटो मैं तो कब से। ठीक है, तुम कल आ जाओ, मैं पक्का सब हथियार तैयार करके रखी रहूंगी। मैं भी पीटूंगी और अपने दोनों बच्चों से भी पिटवाऊंगी तुमको। और यहीं बगल में पुलिस चौकी है, वहां पे तुमको दे आऊंगी। कह दूंगी मैं घर में आकर के लूट रहा था सामान, डकैती कर रहा था मेरे घर में। अरे अच्छा, ऑफ फेस गाऊं? मैं ऑफ फेस गा लूंगी, ऑन फेस थोड़ा सा वो लगता है मेरी, मतलब कहीं कम्युनिटी वो गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मैं बोल भी दूंगा, मैं आपके घर में चोरी करने आया था, तब तो और पिटोगे ना तुमको ना। यहाँ पे दिल्ली में कैद नहीं कर, यहाँ पे की जेल में नहीं, मैं सीधे अपने उधर लेके जाऊंगी तुम्हें यूपी में। और मेरा भाई जो है ना वो आईएएस ऑफिसर है, अब तो मैं किसी क्राइम में फंसा देगा। मैम सिंगल लेयर स्कार्फ ओनली ओवर माउथ नॉट ऑन नोज, प्लीज डू माई रिक्वेस्ट। सिंगल लेयर स्कार्फ ओनली ओवर माउथ नॉट ऑन नोज, प्लीज डू माई रिक्वेस्ट। ऑन फेस मैम, छोटा सा। क्या लिखा मैंने? पक्का आंटी? ऑन फेस में कैसे गाऊं? मेरी आवाज, मैंने कभी गाई, मैं गाई नहीं, और मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है अमन। मैं मतलब वो कहते हैं ना अपने घर में जो गुनगुनाते हैं वैसे मैं, ठीक है, बट किसी के सामने वो भी, मतलब मुझे तो आप लोग दिख नहीं रहे हो, आप लोग मुझे देख रहे हो इसलिए। मैं तो अच्छी तो है इतनी, वो बात करने के लिए है ना, पर गाने के लिए अच्छी आवाज होनी चाहिए। मेरी आवाज थोड़ी अलग है, मतलब वो जब सुनने पे ना रिफ्लेक्ट होती। डेट्स वाई फॉर ब्रीथिंग इजली।
मन्ना जी आपने जो बोला था ना मैंने आपको करके दिखा दिया, अब उससे ज्यादा तो मैं आपको अभी लाइव में तो नहीं कर सकती बिकॉज मेरे को फिर YT की तरफ से स्ट्राइक मिल जाएगी। सो मैं अपने चैनल के साथ तो ऐसा क्यों कोई गलत वो नहीं कर सकती। सॉरी, मुझे आपका सॉन्ग बहुत पसंद है, ट्राई तो करो, ट्राई करो। और आप भी मुझे पता है मैं ऐसे आपको स्ट्रिक्ट बोल रही हूँ तो आपको बुरा लग रहा होगा, फिर आप मुझे डिसलाइक देके जाओगे तो एज यू विश। बट आपने जितना बोला जो वो मैंने कर दिया, बट अब इससे ज़्यादा ना फिर मेरी चैनल के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आप ये समझो। क्योंकि अगर मुझे स्ट्राइक मिल जाएगी तो मैं 3 मंथ तक कोई लाइव नहीं कर सकती हूँ। आप बहुत अच्छा सॉन्ग गाते हो आंटी, मैं आपका क्या है बरप्पन है नॉट गैग। नो मैं वो तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, मुझे आप मैं वो समझ रही हूँ। बट अभी मैंने कभी इस तरह जैसे आप बोल रहे हो ना मैंने लाइफ पे नहीं किया है, तो मुझे थोड़ा डर है अपने चैनल को लेकर के। इसलिए फेस रैपिंग फेस कवरिंग ठीक है, बट उस चीज के लिए थोड़ा सा आप अकेले में बहुत अच्छा सॉन्ग गाती हो तो सबके सामने सुनाने में क्या, तो अकेले में गाती हो ना, अकेले में गाने में और सबके सामने गाने में बहुत अंतर है। ये गाना ना, ये गाना तो मेरे से निकलेगा ही नहीं मुझे। ऑफ फेस में गा दूंगी ठीक है, कोई भी गाना जो भी अभी अभी तो मैं ने आपको सुना है जब आप अकेले में गाते हो। अच्छा मुझे अभी तो जो न्यू सॉन्ग है ना वो पूरे याद भी नहीं है। ओके कोई नहीं, एज यू विश, थैंक यू। बहुत बड़ी मतलब तुमने मेरी डिमांड पूरी कर दी। और ये मैं सोच मैं मुझे लगा तुम बोल रहे हो एक लड़की को देखा तो ऐसे लगा ये वाला सॉन्ग गा दो, वो तो इतना लंबा है सॉन्ग कि मतलब एक लड़की को देखा ऐसा लगा, ऐसा लगा मैं तो इतना सारा बोल देता है कि पूछो नहीं। जैसा आंटी हो, क्या जैसा आंटी हो, जैसा आंटी को, ये सिर्फ आपके लिए लाइक है। अच्छा अलग अलग आईडी से आके लाइक दे रहे हो क्या अमन? चलो ओके गाती हूँ कुछ, मुझे तो बस अभी वही याद आ रहा है, कौन सा तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, मैं गाती हूँ ना तो मैं आवाज ना तेज नहीं निकलती धीरे निकलती, इसलिए मैं कह रही थी ये सॉन्ग आपके लिए था रुचू। अच्छा चलो अच्छा ओके मैं ऑन फेस नहीं गाऊंगी, मैं ऑफ फेस गाऊंगी। गला मेरा खराब हो गया थोड़ा सा, आप अभी भी एक लड़की लगती हो। सही है बेटा, मतलब सामने वाले को बोल दो उसके बाद उसको वो भी कर लो ना, मतलब उसकी बेइज्जती कर दो उसके बाद उसको सॉरी भी बोल दो। फेस नहीं दिखाऊंगी, ऑफ ऑन ऑफ फेस सॉन्ग गाऊंगी। तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूं वहां, अब तो ये दिन तेरे बिन है कहां, ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा हाँ ये वादा रहा। तू
आवाज है तो मैं हूँ गीत तेरा, जहाँ से निराला संगीत मेरा। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। अभी नए सॉन्गों से लंबरगिनी चलाई जानिए, सानू भी छुट्टा दे दू। उसके आगे मुझे याद नहीं, पता नहीं कौन सा गाना है। नहीं जोट अरे कहाँ अच्छी है। मैं मंगिया सी मन्नता वे मन्नता, तू जो मिले जिंदड़ी जन्नता वे जन्नता, तू जो मिले जिंदड़ी जन्नता वे जन्दना। मैनू होया बलिए पहली पहली बार बलिए, दिल विच आ जा जा करके करार बलिए। बस हो गया। उड़ा लो मजाक, हम ही मिले आज तो दोनों को मजाक उड़ाने के लिए। हो गया अमन, देखो मैंने ऑन ऑफ फेस भी गा दिया और ऑन फेस भी। मैं तो मर गया। अच्छा मर गए तुम सच में। वेलकम अमन, फाइनली मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट जो तुम्हारे लिए तो छोटी सी थी पर मेरे लिए बहुत बड़ी सी थी वो मैंने पूरी कर दी। थैंक यू थैंक यू। बस आपकी वॉइस सुनता रहूँ। हाँ तो मैं तुम्हें रिकॉर्ड करके दे दूंगी ना एक सीडी में, और तुम उसको सुनते रहना ठीक। फाइनली हाँ मैम, ना मैम नहीं बोला करो अमन, तुम डायरेक्ट मुझे रुचि बोल सकते हो, मुझे भी दे देना ठीक है। बोलो कब दोगी। अरे तो मैं रिकॉर्ड करूंगी तब दूंगी ना अपनी वॉइस। इतनी देर तक मैं बात कर रही हूँ, कम है। अभी करूँ, अभी कैसे करूँ, लाइव में रिकॉर्ड करूँ। दी बोल दो। हाँ दी बोल सकते हो। मैं दी के लिए बोल सोच रही थी बट फिर मैंने सोचा भाई अब पता नहीं ये होता है ना कि सामने वाले को नहीं बोलना और नहीं बोलना, इसलिए मैंने बोला। बिल्कुल आप दी बोल सकते हो। ये क्या इमोजी बनाई है अमन, आज तुम कुछ अलग अलग सी इमोजी लेके आ रहे हो। आंखें तुम्हारी गोल टेढ़ी हो जाती है, फिर तुम पर्पल कलर के उसमें आ जाते हो एलियन की तरह। बाकी के और कौन चार लोग हैं जो मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं बट कोई मैसेज नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ मैसेज कर दो। आपकी स्माइल के लिए कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा तुम मेरी लाइव में आते हो ना तो मेरी स्माइल वैसे भी आ जाती है। मैं ऐसे ऐसे मैसेज करते हो ना कि उसको पढ़ के हंसी आ ही जाती है। पता है डी और मैम ठीक है ओके डी और माँ, आपके सॉन्ग ने मेरी सच में नहीं पढ़ूंगी मैं आगे। मैंने बोला तो एक पर्सन कम हो गया। एक बार और सुना दो ना एक सॉन्ग, एक बार और सुना दो। कौन सा सॉन्ग सुना, मुझे तो वैसे ही इतने सारे सॉन्ग मुझे याद ही नहीं आते कोई सॉन्ग। एक बार और सुना दो प्लीज, हाथ मत जोड़ो।
अरमान रहमान आप आए हो सर्जिकल टेप गैंग वीडियो। सॉरी मैं इस तरह की कोई वीडियो अपने इस लाइफ में नहीं बनाती और ना ही मैं वीडियो में ऐसे बनाती हूँ, सर्जिकल टेप गैंग वीडियो नहीं, सॉरी प्लीज की वॉइस नहीं, मेरी जान ले ली, बस मन करता है बस मैं आपकी वॉइस सुनता रहूँ। अच्छा 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 तुम अपना नंबर वो कर देना ठीक है, मेरी वीडियो उस पे वीडियो पे कमेंट कर देना, अपना नंबर ड्रॉप कर देना तो मैं तुम्हें ऐड कर लूँगी ठीक है अपने व्हाट्सएप में। अच्छी पता नहीं है अमन अच्छी है कि नहीं। हाँ अगर जैसे मैं नॉर्मल जो हल्की जो नहीं होती है धीरे से गाने उसके लिए ठीक है, लेकिन बहुत तेज गाओ ना तो आवाज़ वो हो जाती है। वैसे मैं गाती हूँ अपना, जैसे लोग कहते हैं क्या ना अपना वो बाथरूम सिंगर जो होते हैं वैसे हूँ, बट वैसे नहीं। एट वर्ड फूड हाई हाई एडवर्ड फूड कैसे हैं आप, मुझे भी दी व्हाट्सएप पे ऐड। अच्छा ठीक है तो आप मेरे वीडियो पे अपना नंबर ड्रॉप कर देना तो मैं ऐड कर लूँगी ठीक है, तुम दोनों को एक ग्रुप में डाल दूँगी। फाइन ओके। तो अभी आप जग रहे हो इतनी रात में और आप मुझसे पूछोगे कि आप जग रहे हो तो बिकॉज़ मुझे अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना है इसलिए तो मैं लाइव हूँ, लाइव आती हूँ मैं इसलिए मैं हूँ, बट आप क्यों जग रहे हो अभी, कहाँ दिया, यहाँ पे नहीं दो, लाइव में नहीं दो वो हट जाएगा, इसमें स्पैम है नंबर नहीं दे सकते, मेरे वीडियो पे दे देना जो अभी है ना वो वाली वीडियो, मैंने एक वीडियो पोस्ट की है ना उसमें, यहाँ पे नहीं दो, यहाँ पे नहीं आएगा, मुझे कोई नंबर नहीं दिख रहा है, नंबर अलाउ नहीं है लाइव में, मेरी वीडियो पे पे मैसेज कर दो कमेंट में। अच्छा अभी रिसेंटली में कोई एक वीडियो है ना आई है मेरी वो वैलेंटाइन डे वाली उस पे कर देना, मेहंदी वाली वीडियो पे ठीक है, वो तो मेरे उस मुझे किसी भी वीडियो पे कर दो अमन मुझे दिख जाएगा, वो स्टूडियो में मुझे मिल जाता है ना मैं ले लूँगी वहाँ से फिर डिलीट कर दूँगी ठीक है। फोर्टी सेवन हो रहा है, 48, 49, 50, 3 मिनट बाद मैं लाइव बंद कर रही हूँ ठीक है। मनी को भी ऐड करना रुचु, अच्छा मैं उससे पूछूंगी पहले, ऐसे नहीं ओके दी हाँ क्योंकि अब लेट हो रहा है ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैंने मैं जो चीज़ सोचती हूँ बिल्कुल मेरी पूरी नहीं होती। अमित पांडे कैसी हैं दी, हाय अमित कैसे हो, बहुत टाइम बाद, तुम अभी लाइव मतलब यूट्यूब तुमने ओपन किया है क्या, मैं अच्छी हूँ तुम कैसे हो, कहाँ हो अभी, इलाहाबाद में कि इधर लखनऊ में हो, मुझे तो पता ही नहीं है, पता नहीं मोनू से बात होती, हाँ जस्ट अभी, अच्छा ओके मैं आपकी वीडियो में चांद चांद लगा देता हूँ, रुचि हूँ ना रुचि, हाँ हाँ मत सही कह रहे, अच्छा इलाहाबाद में हो, अच्छा और घर में सब कैसे हैं, मम्मी पापा भैया भाभी, इसलिए आप नहीं जा पाती हो, अच्छा सब लोग बढ़िया, अच्छा तो अभी क्या कर रहे हो अमित, आप बताओ, मैं भी बढ़िया सब अच्छा, मोनू से बात होती है ना तुम्हारी, अभिनव से आपसे बात कर रहे हैं जो, हाँ हाँ अच्छा मैंने अपना वाईफाई नहीं चलाया था, मैंने अपना जियो का नेट चला रखा है।
नहीं थी, काफी टाइम हो गया इब्नू से बात की. अच्छा अभी वो आया था लाइव में जब मैं थी ना, उसका नंबर नहीं है. अच्छा तुम्हें चाहिए हो तो मैं दे दूंगी. हाय पार्थी. ओके हाँ अभी आया था वो, उस टाइम वो ऑफिस से आ गया ना जल्दी, वो 10 बजे तक आ जाता है, तो उसके बाद वो थोड़ी देर था फिर चला गया. होली में जाएगा घर वो, तो अगर वहां पे रहना तो मिल लेना. ओके दी, मैसेज कर दिया. ठीक है अमन, चलो. अच्छा अब मैं जा रही हूँ, लेट हो गया, 12:15 हो रहा है. फिर कल आऊंगी. आपकी फेस कवरिंग वीडियो अच्छी है. थैंक यू पार्थी. ऐसे क्यों सबकी आंटी हो गई है ऐसे? अच्छा ऐसे सबकी आंटी हो गई. अच्छा तुमको मैं ब्लॉक कर दूंगी अमन आपकी वीडियो पे. ओके अमन तुझे ना जाओ. तुम रात में 3 बजे खाना खाते हो अमन. मैं थोड़ी 3 बजे खाना खाती हूँ, मैं इतनी देर तक जगती भी नहीं. और रो मत, बाढ़ मत लाओ मेरी लाइफ में पक्का. हाँ मैं कल आऊंगी ना, कल फिर उसी टाइम आऊंगी. सीना जाओ कर दो मुझे ब्लॉक. तुम जानते हो ये मैं कर नहीं सकती, इसीलिए तुम बोलते हो ना बार बार. नहीं लेट हो गया, देखो बच्चों को भी सुलाना है ना, फिर वो लोग देर से उठेंगे. और फिर कल भी तो फिर मैं सोऊंगी नहीं तो उठूंगी, फिर मुझे वीडियो भी बनानी है ना, इसलिए वो काफी टाइम हो गया. इतनी देर तक मैं कभी लाइव नहीं रही हूँ. कल आऊंगी मैं, कल जल्दी आ जाऊंगी, क्योंकि कल इनकी छुट्टी रहेगी ना, तो मैं जल्दी आ जाऊंगी. ठीक है मैम कल मिलते हैं. ओके 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 अमन. ओके बाय बाय. बाय अमन. बाय अमन अमन श्रीवास्तव. बाय मास्टर अमन कुमार. बाय मनीषा एंड बाय ऑल जितने हो. गुड नाइट. मैं आपकी वीडियो का वेट करूंगा. हाँ बट अभी तो आज तो पॉसिबल ही नहीं, इतना लेट हो गया है तो मैं बना नहीं पाऊंगी. बट देखती हूँ कल, व्हाट्सएप वीडियोस तो भेज दूंगी और बाकी नहीं. रो लो तुम, कितना रोगे. अरे इतना रोके, इतना क्यों रो रहे हो? तुसी ना जाओ तो मैं क्या करूं, 3 बजे तक तुम्हारे साथ यहाँ बैठी रहूं? गुड नाइट. गुड नाइट अमन. चलो बाय, कल मिलती हूँ. बाय बाय, टेक केयर. बाय अमन. गुड नाइट बोलो अमन, मास्टर अमन कुमार जल्दी बाय बोलो. नहीं अब मैं मतलब तुमसे बोल रही हूँ कि तुम बाय बोलो, गुड नाइट बोलो, तो मैं नहीं बोलूंगा बाय बाय. देखो वो बोल रहा है, देखो समझदार है. तुम रो और मत बोलो ठीक है, मैं जा रही हूँ. बाय गुड नाइट. बाय. अब बोला हाँ समझदार हो गए तुम्हें देख देख के. बाय गुड नाइट. गुड नाइट टेक केयर. बाय बाय.